Very good afternoon, Seema. Very good afternoon, Ankit. Good afternoon, Saurav. Good afternoon, everyone. Once again, so uh, welcome to the PW only IS and welcome to sociology optional class. Before we proceed, let me introduce myself to you guys. My name is Shekhar and I'm going to be. Uh, so, I'm not audible. Someone said. Everything's fine except voice that means I'm not audible to someone Shubham says that voice is not clear. That means I'm not audible guys. Am I audible? Can you please confirm? Namaste. Namaste. himendra. Good afternoon. Novice guys. Kya aap ek bar confirm kar sakte? Can you confirm if I'm audible and visible both? क्या मेरी आवाज आप सुन सकते हैं ऑडिबल नो एवरीथिंग इज ओके शुभम आप अपने एंड पे एक बार चेक करिए हमारे यहां आवाज ठीक है आप एक बार अपने ईयरफोन में या सिस्टम का वॉइस एक बार आप चेक करिए हां वो इको हो रही थी क्योंकि वो साथ में जो स्टूडियो का प्ले होता है लाइव वो ऑन था उसको भी ऑफ कर दिया तो अब एक नहीं होगी होपफुली ठीक है

एज यू गाइज नो की दिस इज एन ऑप्शनल कोर्स तो ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो की काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्यों ये एक, एक सिंगल ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज इतना हाई होता है फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को समझिए आप जनरल स्टडीज वन को पकड़ लीजिए आप जीएस वन पढ़ते हैं उसके अंदर देख रहे हो आप आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस उसके बाद सोसाइटी देन फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये सब कुछ मिला के ढाई सौ नंबर का लिखते हो इसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं लाइकवाइज जीएसटू में भी वही खेला है आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो पॉलिटी पढ़ते हो अब कुछ जुडिशल केसेस पढ़ने होते हैं उसके अलावा गवर्नेंस पढ़ते हो आई पढ़ते हो सोशल जस्टिस पढ़ते हो ये सब मिला के आपको ढाई मार्क्स मिलते हैं राइट right? लेकिन ऑप्शनल एक में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट है जिसको आप सही से पकड़ बना लिए तो दैट वन सब्जेक्ट इज दैट ऑफ 500 हंड्रेड मार्क्स दैट वन सब्जेक्ट इज दैट ऑफ 500 हंड्रेड मार्क्स एंड दैट वन सब्जेक्ट ऑफ 500 हंड्रेड मार्क्स इज क्विंट एसेंशियल इन क्रैकिंग यूपीएससी सीएससी and it is quint essential for you to score higher so that you can see your name in the merit list ये चीज तो clear हो गया मैं बीच बीच में नीचे देख रहा हूं comment box में आप लोगों को देख रहा हूं ध्यान से सुनिए टाइप बाद में करेगा कुछ चीजें आज मैं बताऊंगा टूडेज क्लास इज ओरिएशन क्लास ठीक है तो मेरा नाम शेखर है आई guiding स्टूडेंट्स सिविल स्टूडेंट्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम पास ईयर्स आई बिन टीचिंग सोशोलॉजी और मैंने काफी बच्चों को और काफी बैचेस निकाले हैं थैंकफुली बाई गॉड्स ग्रेस उनमें से कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हुए बट आई बी वेरी ऑनेस्ट अ फैकल्टी अ टीचर इज ओनली अ गाइड है ना तो आप मुझे कभी भी नहीं देखोगे कि मैं किसी बच्चे का रैंक क्लेम करूंगा कि मैंने इसको बना दिया या इसको मैंने पढ़ाया इसलिए बना ऐसा कुछ नहीं होता है राइट right? सिर्फ बच्चे की क्षमता देयर पोटेंशियल बिकॉज अल्टीमेटली द कैंडिडेट इज द डूअर सो टुमोरो वेन यू राइट एग्जामिनेशन इट इज यू हु आर गोइंग टू एक्चुअली सिट इन द एग्जामिनेशन हैंडल द क्वेश्चन एंड राइट आंसर सो एक्चुअल डूअर इज यू आई कैन ओनली बी गाइड एंड आई प्रोमिस यू दैट इफ यू आर ए नॉन ए स्टूडेंट आई बी गाइड ठीक है एक रियालिटी क्या है कि अगर बच्चा रेडी होता है आपको life की reality बोलता हूं अगर बच्चा ready होता है तो teacher arrive कर जाता है तो मुझे आपसे कुछ चीजें चाहिए होगी मैं भी इस class में वो बात करेंगे karunga आगे चल के हम लोग वो सब बात करेंगे वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज and ऑल दैट इसीलिए आज का जो लेक्चर है वो ओरिएंटेशन पे है पूरा आपको बताऊंगा कि ये कोर्स कैसा चलेगा सोशियोलॉजी क्या है एकदम बेसिक्स और उसके बाद सिलेबस डिस्कशन ऑब्वियसली सिलेबस एक दिन में नहीं होगा क्योंकि देखिए यूट्यूब वगैरह पे सिलेबस एक बार देख लेना या आप खुद यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड किए होंगे आई एक्सपेक्ट कि अभी तक आप लोग यूपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड कर लिए होंगे अगर आपने अभी तक यूपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज डाउनलोड इट एंड जो भी आपका स्टडी टेबल होता होगा उसके आगे दीवार है नोटिस बोर्ड है जो भी है उसमें सिलेबस को आप चिपका लो कुछ दिनों के लिए एंड मेक इट अ हैबिट दैट यू गो थ्रू इट रेगुलरली क्यू बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक महीने में आपको पेपर वन और पेपर टू शानदार तरीके से कंठस्थ होना चाहिए और जब मैं कंठस्थ की बात कह रहा हूं दैट मीन दैट यू नीड टू क्रैम दैट अप रटना नहीं है यू नीड टू इंटरनलाइज दैट नाउ डिफरेंस इन क्रैमिंग एंड इंटरनलाइजेशन क्रैमिंग मीन विदाउट किसी चीज का एसेंस को समझे हुए रैंडमली आप उसको रट लीजिए है ना फॉर एग्जाम्पल अरविंद अरविंद ने यहां पे लिखा हुआ सर डाउनलोड क्यों करना है समझ में आ रहा है तो अब मैं इस स्टेटमेंट को देखा सर डाउनलोड क्यों करना है मैं इसको रट लू बस अरविंद बोलता है अकॉर्डिंग टू अरविंद सर डाउनलोड क्यों करना है इसका अर्थ मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि इसका मतलब क्या है राइट right? एक्चुअली में फायदा तो तब होगा ना जब मैं ये समझूंगा कि अरविंद ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिखा है कि सर डाउनलोड क्यों कर रहा है तो मैं उसको बताऊंगा अरविंद इसलिए डाउनलोड करो मतलब तुम्हारे पास सिलेबस जो है वो हैंडी होना चाहिए दीवार पे चिपका हुआ तुम उसको देखोगे तुमको एक एक टॉपिक सिलेबस का कि कौन कौन सा टॉपिक है वो याद रहना चाहिए दिमाग में तुम उसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो कल को क्या होगा कि तुम अपने प्रिपरेशन को ना बहुत ही चैनलाइज और स्ट्रीमलाइड कर पाओगे मतलब तो ऐसे तो यूपीएससी का सिलेबस तो अनंत और पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाएगा इट इज एन ओपन बॉटल्ड सिलेबस दैट यूपीएससी प्रेजेंट्स कभी कभी हमेशा हर साल कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बाहर से आते हैं सिलेबस के लेकिन उसका आइडिया ये है कि वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं

क्या आप सही डिसीजन लेते हो यूपीएससी का एग्जाम इस चीज को चेक करता है और इसका चेकिंग तो फिलहाल आप कैसे किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो वहीं से शुरू हो जाता है तो और अगर आप ऐसे ब्रह्मांड में सब कुछ प्रिपेयर करते रहोगे तो क्या आप यूपीएससी क्रैक कर पाओगे नहीं आपको बिल्कुल बुल्स आई की तरह सिलेबस के अराउंड फोकस्ड होकर फो तैयारी करनी होती है समझ में आ रहा है अरविंद तो जब आपके सामने रहेगा सिलेबस जीएस में भी आपको करना चाहिए जीएस वन टू थ्री फोर पूरा सिलेबस आपको कंटेस्ट होना चाहिए इसके फायदे क्या होते हैं अब वो समझिए से कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी का रिसेंटली इनोग्रेशन किया था राइट right? अब आपके दिमाग में इससे क्या चमकेगा अच्छा आर्ट एंड कल्चर में मेरे सिलेबस में है नालंदा यूनिवर्सिटी तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है चलो मैं एक बार वो टॉपिक के पढ़ लेता हूं गुड थैंक यू थैंक यू फॉर योर केयर एंड कंसर्न ठीक है समझ में बुक लिस्ट वगैरह सी ओरिएंटेशन औरियंटे, क्लास तो अभी शुरू किया है आगे जाके सिलेबस पहले पढ़ाऊंगा सिलेबस के बाद बुक लिस्ट बताऊंगा कोर्स कैसे चलेगा हमारा वो बताऊंगा इट इट अभी हम लोग दो तीन दिन तक पहले सिलेबस करेंगे सर हाईएस्ट कितना स्कोर हो सकता है सब बताऊंगा व्हाट टू सी व्हाट इज सोशियोलॉजी पहले वो समझाऊंगा वाई सोशियोलॉजी जिसमें आप एडवांटेज और ये सब कह रहे थे इंपॉर्टेंस वो समझाऊंगा व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल वो समझाऊंगा वेट so आपको पेशेंट्स सी अगर आपको सही फल चाहिए तो जीवन में सबसे पहले एक ज्ञान मैं आपको आज देता हूं जेनरली आई डोंट हैव हैबिट ऑफ गिविंग ज्ञान ठीक है हु नो मी फ्रॉम जीएस उनको पता है मैं निशांत बोल रहा है ही मी फ्रॉम संकल्प क्लास अब बोलो ऑनेस्टली निशांत मैं देता हूं ज्यादा ज्ञान व्यान में ज्यादा ज्ञान मोटिवेशन ये सब नहीं देता हूं वो बच्चा का इन, इंटरनल होना चाहिए बट कुछ बेसिक्स क्योंकि फाउंडेशन कोर्स जब होता है ना ये ऑप्शन का फाउंडेशन कोर्स है राइट right? तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपकी हैंड होल्डिंग करूं क्या आप इस बात को समझ रहे हैं यस हाउ टू मेक नोट्स सब बताऊंगा यार यू हैव टू रिलैक्स ठीक है आप एक बात समझिए एक ही बार में मैं सारी चीजें बोल दूंगा कैसे पॉसिबल है एक साथ में इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पेशेंटली बैठना होगा ये एग्जाम जो है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके अंदर तीन गुण चाहिए अगर नहीं है तो आप अपने पर्सनालिटी के अंदर उसको इंकलकेट करिए देखिए साल भर का एग्जाम होता है सिलेबस भी बहुत वास्ट है राइट right? और इन दोनों चीजों के अलावा तीसरा चीज क्या है कंपटीशन बहुत हाई है कंपटीशन बहुत हाई है बारह लाख ,00 बच्चे जिसका फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से छह सात लाख बच्चे जिस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं लिख रहे हैं और उसमें आई कितने बनेंगे एक है ना या टोटल सेलेक्शन कितना होगा सारे सर्विस को लेकर मैक्सिमम हजार तो आप समझ लो आप अच्छे या बुरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस एग्जाम में कि आप अपने कंपटीशन से कितने अच्छे हो से विनायक को इस एग्जाम में एक नंबर आया लेकिन बाकी सारे को जीरो आ गए तो विनायक टॉपर बन गया आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना ये एक बेसिक है इस एग्जाम का तो इसीलिए आपको इन जनरल तीन गुण चाहिए जो आपने अपने पर्सनालिटी के अंदर यू हैव टू इनकलकेट फर्स्ट इज पेशेंस धैर्य बनाइए क्योंकि ये जो ऐसे कोई मेरे पास भी कोई ऐसा बटन नहीं होगा और आपके पास कोई ऐसा कोई अगर आपको बोले ना आओ बे मेरे पास आओ हम तुमको यू नो घोल पिलाएंगे इसको पी लो और तुम एग्जाम आई एस कल बन जाओगे नो no, नो no, नो no. दैट इज फॉल्स कोई भी व्यक्ति जो आपको ऐसा कहेगा तो वो फ्रॉड होगा क्लियर सुड डोंट गेट इन टू दैट सेकेंड सेकेंड क्राइटेरिया इसलिए पेशेंस चाहिए आपको क्यों क्योंकि देखिए आप टॉपर का जब वीडियो देखिएगा आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होइएगा बच्चे आप मोटिवेट होइएगा तो आपको क्या लगेगा कि बॉस ये बना है हमको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है या ये बनी है यही मेरी हीरो है इसके जैसा आई बनना है अरे वो आई तो अभी तक बना नहीं है अभी तक वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके बाद लबासना में जाके ट्रेन हो, होगा उसके बाद लबासना में ट्रेन होने के बाद वो अपने जिला में जाएगा काम करना शुरू करेगा फिर फिगर आउट करो कि वो किस क्वालिटी का आईएस है तो जो कमेंट्स में इंस्टा पे और यूट्यूब पे वीडियोस में बच्चे लिखते रहते हैं सर आप मेरे इंस्पिरेशन है हमको आपके जैसा आई बनना है अरे वो अभी तक एज एन आई एस आपने आपको प्रूव नहीं किया अभी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो अगर आपको उनसे इंस्पिरेशन लेना है तो क्या लेना है आपको उनके जैसा स्टूडेंट बनना है ये लिखिए कमेंट्स में कि हमको आपके जैसा आईएस का एस्पिरेंट बनना है तो गोल क्या है आई बनना लेकिन उस गोल के लिए जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब अगर आपको आई बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक अच्छे आई एग्जाम के एस्पिरेंट बनिए और उस एस्पिरेंट के जो गुण होते हैं लाइक कंसिस्टेंसी आपके बिहेवियर में आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम में लेकिन सिंसियर होने की जरूरत है दैट इज वाई थ्री थिंग्स पेशेंस परसिस्टेंस परसिस्टेंस क्यों क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ऐसा नहीं कि एक दिन आप अठारह घंटा पढ़ लिए और उसके बाद पांच दिन तक पढ़े ही नहीं है नहीं आपसे अगर छह घंटे हो पा रहा है तो छह ही घंटे पढ़िए आपसे अगर आठ घंटे हो पा रहा है तो आठ ही घंटे लेकिन रोज पढ़िए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आपको continuous revision आपको आपको रिवीजन करने होंगे क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो मल्टीपल रिविजन करने होंगे आपको अपने कंटेंट्स को कंसोलिडेट करके अपने पास बनाना होगा तो वो नोट्स अगर आपके अपने लैंग्वेज में बाद में कंसोलिडेटेड होंगे तभी ना आप उसको क्विकली रिवाइज कर पाओगे कम टाइम में क्योंकि खुद बनाए हो तुम्हारे शॉर्ट हैंड में है, तो तुमको समझ में आएगा राइट फर्स्ट बींग पेशेंस सेकेंड बींग परसिस्टेंस एंड लास्ट बींग परसिवरेंस देखो हारता वो नहीं है जीवन में जो गिर जाए हारता वो है जीवन में जो गिरने के बाद उठे नहीं ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जब आप बहुत लो फील करोगे आप बहुत डिप्रेस फील करोगे आपको बहुत डर लगेगा यह बात मैं अभी बता रहा हूं और सिर्फ आपको नहीं हर टॉपर के साथ ये होता है There'll be days कि आपको सेल्फ डाउट होगा आई आई डोंट थिंक आई हैव गॉट इन मी टू क्लियर दिस एग्जाम यूल हैव ऑल दीज फीलिंग्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस यू हैव यूल गेट ऑल दीज फीलिंग्स आई डोंट थिंक आई हैव गॉट दिस इन मी आई डोंट थिंक आई एम एबल टू पुट सो मच ऑफ एफर्ट तो आपको लगेगा कि आप गेम हार रहे हैं बट आप गेम जीत रहे हैं बोलिए क्यों अगर जिस दिन आप में ह्यूमिलिटी आ गई आपको ना ये एग्जाम सबको हम्बल बनाता है आपको हम्बल होना बहुत जरूरी है लाइफ में अगर आप में ह्यूमिलिटी आ गई तो आप क्या करोगे आप ये चीज एक्नोलेज ही अगर कर रहे हो ना कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप में कमी है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप में कमी है तो आप पहला चीज कोई अपने अंदर सुधार ला सकता है बिना एक्नोलेज किए हुए अपने कमियों को तो अगर जो आपके बुरे दिन है ना जिसमें आपको डिप्रेशन होगा उस दिन उसको पॉजिटिवली कैसे सोचना है इसका मतलब एक चीज तो मैंने कर लिया कि मेरे में क्या कमी है उसको मैं मानने को तैयार हूं और अगर आपको वो सारी कमियां मान्य हैं तो आप आगे की जर्नी उसके सुधार पर वर्क कर सकते हैं एंड देन द नेक्स्ट बैटल स्टार्ट विच इज ओवरकमिंग दोज वीकनेसेस एंड दैट इज वाई थर्ड क्वालिटी जो आपको चाहिए दैट इज परसिवरेंस सो रिमेंबर आई एक्सपेक्ट दैट एज स्टूडेंट यू शुड यू शुड हैव दीज थ्री पी पेशेंस परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस गिरोगे फिर उठना है और लड़ते रहना है प्लीज अंडरस्टैंड दिस है ना दो व्यक्ति हैं इमेजिन करो एक व्यक्ति है जिससे चार गो लोग बात नहीं कर रहा है एक एक क्लासरूम को इमेजिन करो एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चा है जिसे चार लोग बात नहीं कर रहा है पूरा टाइम वो सोच रहा है ये हमसे बात नहीं कर रहा है हम इसका बदला लेंगे ये वो पूरा टेंशन में है क्लास में उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है दूसरा व्यक्ति है उससे भी कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन वो उसको अपॉर्चुनिटी बनाता है देर इज डिफरेंस इन आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड जो पहला व्यक्ति है वो जब क्लास में आइसोलेटेड फील कर रहा है तो उसको फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है तो इसलिए उसका पूरा फोकस कहा है कि अभी हम जो महसूस कर रहे हैं उस पर हम बदला लेंगे इसको बताएंगे हम भी चार दोस्त बनाएंगे फिर इन लोगों को ग्रुप से बाहर कर देंगे तुम दिमाग में ये सब सोच रहे हो तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और टाइम तो सबसे कीमती है तुम किसी से पैसा लिए पैसा कभी भी कमा के जीवन में रिटर्न किया जा सकता है लेकिन जो व्यक्ति तुमको जीवन में अपना समय दे दिया वो समय तो वापस आएगा ही नहीं टाइम इज तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आपके प्रेपरेशन में भी टाइम इज द कॉस्टलिएस्ट नॉट मनी बट टाइम इज कॉस्टलिएस्ट सो यू नीड टू एफिशिएंटली यूज योर टाइम एंड एफिशिएंटली यू नीड टू यूटिलाइज इट प्लीज अंडरस्टैंड दिस सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन परसिवरेंस का मतलब मैं आपको सरल तरीके से बताया ना ममताज कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप गिर गए तो दोबारा उठ सके एक बॉक्सर को देखते हो एक मुक्का मारे वो गिर गया लेकिन उसके बाद रेफरी दस गिनता है वो दस बार गिरे लेकिन दस काउंट से पहले उठ जाए और उसके बाद एक मुक्का मार के सामने वाले को नॉकआउट कर दे तो जो दस बार गिरा था वो ही जीतेगा सो परसिवरेंस इज दैट आप चार बार फेल करें एग्जाम में लेकिन जिस दिन निकल गया आप आई बन जाएंगे और उसको निकलने के लिए आपको फेल करना बहुत जरूरी है तो पहला फेल आपको कहां करना है घर पे बहुत सारे बच्चे ना टेस्ट से डरते हैं बहुत सारे बच्चे अपनी कैपेसिटी को इवेल्युएट करने से डरते हैं राइट right? आप अपनी कैपेसिटी को इवेल्युएट करिए क्यों बिकॉज आपकी कैपेसिटी और टॉपर के कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस है इनिशियली

तो आपका लैंग्वेज से ज्यादा बड़ा problem कि आपकी स्किल वीक है तो पहले तो पहले आपको ऐसे में करना पड़ेगा ना इंगेज होना पड़ेगा जिससे आपका बढ़े ये सब मैं आपको एग्जाम्पल बता, बता रहा हूं अलग अलग बच्चों के अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं तो कोई अगर यहां है और अगर आप यहां हो तो यह, इस पोजिशन के बीच में और इस पोजिशन के बीच में इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक डिस्टेंस है ना बाबू वो डिस्टेंस कर, तय करने में जितना टाइम लगा है उतना तो आपको देना पड़ेगा तो मान लीजिए ये टॉपर इसका ऑलरेडी स्टार्टिंग लेवल ये था यहां से यहां पहुंचा और इसने दस महीने में प्रिपरेशन करके एग्जाम क्रैक कर लिया या एक साल में प्रिपरेशन करके एग्जाम क्रैक कर लिया अगर आप यहां हो और आप दस महीने दोगे तो आप यहां से यहां ही पहुंच पाओगे फिर आपको लगा कि मैंने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाया लेकिन मेरे से तो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ रियालिटी क्या है कि आपके लेवल में और उसके लेवल में तो डिफरेंस है ना ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि टेन मंथ्स इज इट गोइंग टू बी इनफ फॉर प्रिपरेशन दैट कंप्लीट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ब्रदर ऑन योर क्वालिटी ऑन योर मेरिट एज ऑफ नाउ आई डोंट नो वॉट इज योर मेरिट नहीं नहीं इसमें दुख ही कुछ नहीं होना है बाबू दिस वॉज सदाफ तोमर नॉट यू सचिंद्र और मैं किसी मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है मैं तुमको बेसिक्स सिखा रहा हूं तुमको दुखी होने का जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि तुम तो यहां थे तुम अगर यहां से ये नहीं हो पा रहे हो तो दुखी की बात है यहां के बदले यहीं चले जा रहे हो तो दुखी की बात है दुख की बात है या यहां हो और यहीं हो और यही तो दुख की बात है अगर तुम यहां अपवर्ड रा, राइज अप हो रहा है तो तुम सही दिशा में हो बस तुम्हारी जर्नी लंबी होने वाली है ये सब बेसिक्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है आप हुआ में या मार्केट में जो चलता है ऐसे करके मार्केटिंग गेमिक उसमें अब नहीं पढ़ना है अब एक बार सही मायने में प्रेपरेशन के लिए आप आ गए हो तो आपको सब्जेक्ट्स को सीखना है सबसे पहले बेसिक में एंड उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल इंप्रूव यस विशाल ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी आंसर डोंट वरी पुष्पक हाउ टू इंप्रूव फास्ट ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है कितना टाइम आप दे रहे हो और एक इंडिविजुअल की ग्रास्पिंग पावर कैसी है अच्छा ग्रास्पिंग पावर ना मतलब कि लर्निंग एबिलिटी कुछ होता है कोई नहीं चीज जैसे मेरे को आप कोई नया खेल अगर बोलोगे तो मैं उसको पिक कर रहा हूं तो कितना जल्दी उस खेल को सीख पा रहा हूं ये ग्रास्पिंग पावर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल आपके फोकस कंसंट्रेशन आपका कितना है जो बच्चा ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करता है ना वो हमेशा फास्ट इंप्रूव करता है राइट फिर उसके अलावा आपका एज यंगर द बेटर यंगर द बेटर ठीक है तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं अभी इस एज में अगर अपनी मम्मी को बोलूंगा कोई चीज नया टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और बदले में आर्यन गुप्ता या श्वेता को बोलूंगा कि श्वेता या पंकज तुम वही टेक्नोलॉजी सीखोगे मैं आपको गारंटी बोलता हूं पंकज और श्वेता मेरी मम्मी से ज्यादा क्विकली सीखेंगे समझ में आ रहा है बाबू ये बेसिक लॉजिक है सी uh, मेरी इंग्लिश कैसी भी हो इट डजेंट मैटर क्लास इंग्लिश में है सो आई एम ट्राइंग टू मिक्स एंड बैलेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट ग्रेजुअली आई बी अभी नहीं इनिशियली मेरे क्लासेस में हिंदी मुझे ज्यादा रखना होगा बट हमेशा याद रखना ग्रेजुअली एज द कोर्स एनहेंसेस एज द कोर्स प्रोसीड्स

इट बिकम्स क्विंट असेंशियल फॉर ऑल यू गाइज टू इंप्रूव योर इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ्लावरी इंग्लिश बोलनी है आपको शशि थरूर साहब विध ऑल ड्यू रेस्पेक्ट नहीं बनना है कि आप कुछ भी बोल रहे सामने वाले को डिक्शनरी लेके देखना है आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि जो सवाल आपको दिया गया है आप उसका तथ्य समझ सके उसका डिमांड समझ सके और उसके बाद जब उसको लिखें उसके लिए उत्तर लिखे वेन यू राइट आंसर टू दोज क्वेश्चन सामने वाला क्लियरली उससे समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं देखो दिस रीजन बिहाइंड दैट इज वेल फॉर एग्जाम्पल साक्षी सोलंकी अपने क्लास की एक स्टूडेंट है टी इज अ स्टूडेंट हु माइट हैव प्रिपेर्ड वेरी हार्डली ठीक है शी वुड स्टडीड फॉर ए ट्वेल्व ट्वेल्व लॉर्स अ डे फॉर टू ईर्स राइट यह मुझे पता है कि मैं, क्योंकि मैं उसका फैकल्टी हूं यह आपको पता है क्योंकि आप उनके दोस्त हो मित्र हो यह उसके साक्षी के माता पिता को पता है क्योंकि वो घर में साथ में रहते उनके पेरेंट्स हैं लेकिन यस सिद्धू आई विल डू दैट डोंट वरी द Lecture are supposed to be delivered in English. I'll balance in both English as well as Hindi. So don't worry. And anything that I teach, as of now, I'm not teaching. I'm just communicating with you guys because today is orientation class. Whenever I teach, the content initially will be delivered only in English, then in Hindi. Badme, I'll it Hindi. Okay, Siddhu, initial content at the first go is going to be delivered in English. Later in Hindi. Right. so don't worry about that about the basics of sociology if I would be a student what would be my strategy there is seven months that we are we guys are together so don't worry about that छनका ranjan patnayak patnayak साहब everything will be delivered to you आपको वो सब मैं time to time strategy ये सब basic चीज़ बता दूँगा आप tension मत लो उन सब चीजों का अभी अब ये, जो अभी आज के class में orientation class में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो basic चीजें आप समझो अब मैं ये कथा ज्ञान क्यों दिया हूं देखिए प्रिलिम्स का राउंड तो ऐसे भी क्वालिफाइंग होता है इट इज अ क्वालिफाइंग राउंड यू ओनली हैव टू चूज ऑप्शन टिक कर दिया ऑप्शन को टिक कर दिया ऑप्शन को हो गया राइट बट मीन्स इज सब्जेक्टिव एंड मोर इंपॉर्टेंटली मीन्स इज डिस्क्रिप्टिव यू हैव टू डिस्क्राइब द और द नोशन विच हैजिन आस्ट इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज आए आपके बदले आंसर नहीं लिखने वाला है प्लीज गेट दैट राइट एंड सिंस इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर यू हैव टू गेट इन टू हैबिट ऑफ राइटिंग बट अल्टीमेटली वॉट इज दैट योर आंसर शीट वॉट इज दैट इट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सो एंड सो क्वेश्चन इज गिविन एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड एंड वॉट इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू गेज एग्जामिनर आपके आंसर को देख के क्या देखने की समझने की कोशिश कर रहा है किस सवाल का तथ्य इसको समझ में आता है कि नहीं क्या स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसने लिखा है कि नहीं जो भी लिखा है वो क्लियर है कि नहीं वो वो जो कहना चाह रहा है वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं वो lucid है कि नहीं उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है कि नहीं प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ताकि वो अपने ये इवेल्युएट कर सके कि आप ब्यूरोक्रेट बनने लायक है कि नहीं है और उसके हिसाब से आपको मार्किंग दी जा रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम और आप सामने आमने सामने हो तो हमारे बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम भाषा को प्रयोग कर सकते हैं हम जेस्टर्स को प्रयोग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देखो अभी रही ऐसे करके मैं हंसूंगा तो तुमको लगे सर चिल मोड में मुस्कुरा रहे हैं या मैं अभी ऐसे करके गुस्सा करूंगा तो मैं जेस्चर्स दे रहा हूं उसे तुम गेज कर पाओगे ना अरे सर को गुस्सा हो गया मैं आवाज ऊंचा कर दूंगा खामोश ऐसे करके चिल्लाऊंगा तो तुम लोगों को लगेगा अरे सर का आवाज ऊंचा हो गया सर लग रहा है क्लास में गुस्सा कर रहे हैं मतलब कि तुम तो मेरे जेस्टर्स से मेरे भाव को समझ सकते हो ट्राइंग टू यू बट एक तो जेस्टर्स देख रहा है और ना आपकी भाषा को जो आप क्या बोल रहे हो वो नहीं सुन रहा है वो उतना ही समझेगा जितना आपने अपने आंसर में दिखाया है तो अगर आपकी अंग्रेजी इतनी नहीं है कि आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहो वो आंसर के थ्रू क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए सामने वाले को आपको कम मार्क्स रिवॉर्ड होगा समझ में आया आपको कम मार्क्स रिवॉर्ड होगा सो बेसिक लॉजिक यहीं से आपको क्लियर होगा दैट इज वाई लेक्चर्स विल इंडीड बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश एज वेल एंड ऑल्सो आपको अगर मेरी बात भी लॉजिकल नहीं लगे तो मेरी बात को भी फॉलो मत करो ट्रूथ शुड बड़ा आदमी कोई बात बोल दिया तो वो बात सही नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी अगर कोई आदमी सही बात बोल रहा है तो वो बड़ा आदमी है श्री कृष्ण बड़े आदमी थे इसलिए उनकी बात सही नहीं थी उनकी बात सही थी वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे धर्म को स्थापित करना चाह रहे थे इसलिए वो बड़े आदमी थे सो लॉजिक शुड प्रिवेल रैशनलिटी शुड प्रिवेल ट्रूथ शुड प्रिवेल किसी के बाद में आपको लॉजिक लगे किसी के बाद में आपको ट्रूथ लगे तो उसको फॉलो करो लॉजिक नहीं लगे ट्रूथ नहीं लगे तो फॉलो नहीं करो एक और बात तीसरी बात देखो हम सब ह्यूमन तो अलग अलग हैं हो सकता है कि सामने वाले की बात सही हो हो सकता है कि सामने वाले की बात लॉजिकल हो लेकिन मेरे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से वो जो स्ट्रैटेजी बता रहा है सामने वाला वो सूट ना करे प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट ये ये खुद से नहीं लिखेगा देख रहे हो इसको बोले ए पेन लिख नहीं लिखा गिर गया राइट बट ह्यूमन बींग में तो कॉन्शियसनेस होता है जब उसमें कॉन्शियसनेस होता है तो वो एक्टिव बींग है ना अपने सोच को अपने थॉट को यूज करेगा और उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है तो आप हमेशा अपने को है। आपना और को कि हमको अगर ऐसे करना है तो हमको ऐसे क्यों करना है अच्छा इससे ये कॉन्सिक्वेंस आ रहा है क्या हमको ये कॉन्सिक्वेंस चाहिए हाँ या हमको ये कॉन्सिक्वेंस नहीं चाहिए क्योंकि ये हमको ऑलरेडी आता है फॉर एक्साम्पल समन वेरी गुड इन इंग्लिश दे डोंट नीड टू

आदत मतलब आंसर लिखने के लिए तो आप समझ रहे हो उस व्यक्ति का गोल अलग है उस, उसको तो डिस्क्रिप्टिव लिखना आता है उसको क्रिस्टलाइज करके लिखना नहीं आता है कि हमको एकदम कम शब्दों में सारा इंफॉर्मेशन दे दे ऑब्जेक्टिफाई करके तो उसका गोल अलग है लेकिन जिसको बेसिक लिखना ही नहीं आता है उसके लिए तो पहले डिस्क्रिप्टिव जर्नी शुरू होगी ना तो देख दो व्यक्ति है राम और श्याम उनके स्ट्रेंथ अलग है उनके वीकनेसेस अलग होंगे तो जब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों अलग हैं तो उनको अपने कॉन्शियसनेस को यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है समझ में आ गया सेवन मंथ्स कार्तिकेय पांडे सेवन मंथ्स डेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली आस्किंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ इट

वो डिस्क्रिप्शन मेरे पास है कभी कभी क्या होता है कि आ, मुझे कहीं जाना रह गया अगर हम ही क्लास में नहीं है तो तुम पढ़ोगे कैसे समझ रहे हो तो उस केस में थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे करते हैं बाकी ये डेढ़ का दो हो सकता है दो से चार बट ये एज ऑफ नाउ डेढ़ से साढ़े तीन ठीक है आ, किसी का चार बजे क्लास है कोई बच्चा बोल रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा और खींच के एक से तीन बोल के करवा सकता हूं बट आई डोंट थिंक एनीवेयर बियॉन्ड दैट हाँ हाँ इमीडियटली नहीं हो पाएगा फॉर फ्यू डेज यू गाइजिकेट टू हो सकता है उसके बियॉन्ड आई डोंबाउट ऑल दैट भावना सबके answers एक ही दिन में कैसे मिलेंगे अभी ये लंबी जर्नी है तुम लोग धैर्य से सुनते क्यों नहीं हो इट इज आई सपोज टू सी ये हम लोग का लंबा जर्नी है ना इसमें धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्स होंगे ठीक है सर क्लास होती है एक बजे तक ऑफलाइन आई नो सी अब ये इसीलिए टाइमिंग्स जो है ना बच्चों को पता होता है टाइमिंग्स मेरे हाथ में नहीं होता है टाइमिंग्स जो होता है आ, वो आ, उनके हाथ में होता है मैनेजमेंट के हाथ में होता है तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो दो से चार करते दैट इज देयर कॉल और वो एक बच्चे के आधारित पे वो ले नहीं सकते तो इसीलिए आप, आपका मान लीजिए किसी का चार बजे का क्लास है

एज ऑफ नाउ आप लोगों में पेशेंस दिख नहीं रहा है मेरे कहने के बावजूद सेकेंडली पेशेंस परसिवरेंस और परसिस्टेंस तुम ग्रेजुअली बनेगा वो एक दिन में तो नहीं बनेगा तो तुम स्थिर रहो थोड़ा दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला दूसरी बात क्या समझ में आई अभी तक कि हर बच्चा अलग है उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग होंगे तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ प्लीज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बिकॉज यूपीएससी में वन शू फिट फॉर ऑल स्ट्रैटेजी नहीं होता है ट्रस्ट मी किसी एक व्यक्ति को मान लो नितिन सांगवान से समझ क्या नितिन सिंघानिया कौन सी वो किताब है नितिन सिंघानिया ना आर्ट एंड कल्चर वाली जिसे खूब रट्टा मारना पड़ता है किसी एक व्यक्ति से मान लो नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर उसको समझ में आएगा उसको बहुत वर्थ लगेगा और उसको पूरा अच्छे से पढ़ेगा और रटेगा बट किसी और बच्चे को सूट नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल हमसे कभी ना पेज नंबर जब हम स्टूडेंट थे मैं आई यूज टू बी स्टूडेंट से कभी पेज नंबर वन से लेकर पेज नंबर लास्ट तक ना नितिन सिंघानिया कंप्लीट हो ही नहीं पाया बिकॉज बिकॉज इट इट टू टू मैकेनिकल फॉर फॉर मी मी फैक्चुअल डिड डिड वर्क आई डू कि मैं हिस्ट्री पायाबल और मॉडर्न जो एनसीआर पढ़ता था उसी में जो आर्ट एंड कल्चर के पेंटिंग्स ओरिएंटेड जैसे कलमकारी का क्वेश्चन पूछा था आर्ट एंड कल्चर में अरे एट क्लास के एनसीआर में डायग्राम तक बनाया हुआ है ब्लू कलर का फोटो दिया हुआ है कलमकारी का लिखा हुआ है हैदराबाद का पेंटिंग ऑप्शन में आया था है कहां कहां, आंध्र प्रदेश मारना चाहिए था फिर इबादत खाना सेवेंथ क्लास के एनसीआरटी से मैंने उसको लर्न किया था इबादत खाना के बारे में मेरे वक्त में तो मेरे मेरे को क्या लगता था कि, कि जो मोटी सी बुक है ना नितिन सिंघा ने आर्ट एंड कल्चर की मेरे पल्ले की नहीं है आई वॉज क्लियर क्यों क्योंकि मेरे को फैक्ट रटने में कष्ट होता है तो मैंने अपने ancient, और से जो वाले थे, उसको से अपना नोट बना लिया और उसके अलावा इलेवंथ और ट्वेल्थ का जो फाइन आर्ट का एनसीआर है मैंने उससे सप्लीमेंट कर लिया ओरियंटेड क्वेश्चन जो आएंगे एनसीआरटी को भी साथ में प्रिपेयर कर लेता हूं ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कोई बच्चा है जो कि नितिन सांगा के साथ बहुत कंफर्टेबल होगा और बहुत अच्छे से कर लेता होगा तो मैं आपको यहां पे क्या समझा रहा हूं क्योंकि मैं ऑनेस्ट था मुझे पता था कि अच्छा रैंडमली मेरे को फैक्ट रटने में कष्ट होता है प्लस वो बुक जो है ज्यादा मैकेनिकल है जब वो कोई बुक एक नरेशन उसमें या एक स्टोरी की तरह लिंक्ड कोरिलेशन नहीं बनता है तो मुझे उसको कॉम्प्रिहेंड करने में कष्ट होता है तो मैं क्या एक काम करूंगा इस मटेरियल को मैं अवॉइड करता हूं मैं कुछ और स्ट्रेटेजी यूज करूंगा सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल I'm just giving you an example ki one shoe fit for all nahi hota hai every student according to their strengths and weaknesses have to evaluate what is the more suitable strategy for them I in the course of over six to seven months which I am with you guys I will be telling you people about two to three strategies

इसी को ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जर्नी कैसे होने वाली है हम हमारे कोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे हम टीचर आपको समझेगा आप टीचर को समझोगे एक्सपेक्टेशन सेट होगा वही तो होता है ओरिएंटेशन कि कोर्स किधर मूव करेगा तो अभी भी टॉपिक पे ही है आर्य सुमंत लिखा है प्लीज टॉपिक पे आते हैं अब टॉपिक पे ही है बाबू ठीक है आप नहीं समझ पाए कि आपके काम का नॉलेज था तो वो आपकी कमी है हम टॉपिक पे ही बात कर रहे थे एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड कमिंग टू माय ऑप्शन देखो यार चैट ऑफ करना मेरे लिए तो आसान है चैट ऑफ करके पढ़ाना शोएब बट आइडियली क्या है दिस इज लाइव क्लास वी हैव प्रॉमिस्ड यू गाइज लाइव क्लास इफ आई डोंट टेक योर डाउट्स इट विल बी इनजस्टिस टू यू गाइज ओनली क्लास में कर लेंगे जिसको भी मेरे बैक को लेकर कंसर्न है जो मुझसे जो मुझे पहले से जानते हैं क्लास के बीच में नहीं ठीक है शुभ सिलेबस थोड़ी देर बाद सिलेबस दो अभी देखो सिलेबस जो है बच्चा हम लोग दो तीन दिन तक पढ़ेंगे मेहंदी जयसवाल लंबा सिलेबस है सिर्फ सिलेबस आपको दिखाना नहीं है देखो सिलेबस तो पे लिखा हुआ है बस इसको आपको दिखाना दर्शन थोड़ी कराना है अब आपका ऑप्शन का बैच शुरू हो गया है तो आपको एक एक मतलब सिलेबस के टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा समझ में आ रहा है तो इट विल टेक टू डेज तो हम लोग अभी क्या है कैसे कोर्स चलेगा सब बात करेंगे आप पेशेंटली बैठिए कमिंग टू सोशियोलॉजी नाउ आंसर द क्वेश्चन यू गाइज हैव टेकन दिस ऑप्शनल देखिए अगर जो उन्होंने अभी तक ट्वेल्थ की एनसीआरटी की होती तो ठीक है राइट प्लीज अंडरस्टैंड दिस बट टेल मी समथिंग फ यू हैव पिक्ड सोशियोलॉजी कुछ बेसिक आइडिया तो आपके दिमाग में होगा सो नाउ आई एम कमिंग विद द क्वेश्चन की वॉट इज सोशियोलॉजी प्लीज ट्राई आज सी मेरे को करेक्ट आंसर नहीं चाहिए मेरे को अकेडमिक आंसर नहीं चाहिए आपकी रिफ्लेक्सिव अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्सिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या ये टर्म जब सुनते हो ना सोशियोलॉजी तो आपके दिमाग में क्या आता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव अंडरस्टैंडिंग मतलब बिना किसी आइडिया नॉलेज से इंफ्लुएंसड हुए हुए किसी चीज को देखते हुए आपका रिफ्लेक्स जो होता है शरीर का वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है मतलब आंख बंद करो और ये शब्द सुनते हो तुम सोशियोलॉजी तो सुन के तुमको दिमाग में क्या आता है वो बताओ तो जैसा निकिता ने बोला है स्टडी ऑफ सोसाइटी है ना कोमल से साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी स्टडी ऑफ सोसाइटी चलिए तो सब किसी ने बोला साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी बाकी सब बोल रहे हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी तो बिहेवियर ऑफ सोसाइटी उसका एक पार्ट होता है बिहेवियरल साइंस भी है एक सेकंड देयर समवन हु नॉट अंडरस्टैंड जस्ट मिनट सम क्वेश्चंस आर नॉट अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है स्टडी ऑफ सोसाइटी इवोल्यूशन चेंजेस करेक्ट सम क्वेश्चन आर नॉट प्रिय भारतीय टाइम लगेगा पहले आप समझिए क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही है लैंग्वेज का इशू है तो वो कॉम्प्रेहेंशन इशू है प्रिया दिस इज फॉर यू अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते मतलब कॉम्प्रिहेंशन इशू है बेसिक तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव होगा आपको ना डेली न्यूज पेपर पढ़नी चाहिए आप डेली न्यूज पेपर पढ़ो उसके अर्थ को समझने की कोशिश करो और फिर जो यूट्यूब पे अनालिस आता है ना सुमित सर का न्यूज पेपर का उससे उसको मैच करो कि एक्चुअल अर्थ जो वो बता रहे हैं और आपने जो खुद से समझा वो सेम है या गैप है और इसको टाइम देना पड़ेगा मतलब तीन चार महीने के बाद धीरे धीरे वो स्किल इंप्रूव होगा एक दिन में नहीं होगा क्लियर सो दैट वॉज आंसर फॉर यू बिकॉज वो प्रॉब्लम है कॉम्प्रिहेंशन अगर सवाल नहीं समझ पा रहे मतलब कॉम्प्रिहेंशन स्किल की कमी है सो so आपके अपने कॉम्प्रिहेंशन को आप कैसे इंप्रूव करोगे रीड करो ज्यादा से आप स, पढ़ के समझने की कोशिश करो हाउ टू डू इट न्यूज न्यूज पेपर को आप डेली पढ़ो और बाद में उसको जो न्यूज पेपर की एनालिसिस आती है उससे मैच कर लो सो दिस इज द सोल्यूशन नाउ फोकस ऑन दिस ऑल ऑफ यू आंसर्ड सोसाइटी स्टडी ऑफ सोसाइटी अब किसी ने बोल दिया कि साइंटिफिक स्टडी किसी ने नहीं बोला ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे बट जिन्होंने भी बोला स्टडी ऑफ सोसाइटी आप लोग बिल्कुल करें इसका मतलब आपको बेसिक आइडिया तो है कि सोशियोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ है अब इनिशियली जब सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ तो इसके पीछे दो रूट वर्ड था क्या था सोसियस और लोगोस सोसियस का मतलब क्या होता था बेटा इसका मतलब होता था फ्रेंडशिप या yeah. कंपेनियनशिप और लोगो का मतलब आप समझिए या तो स्टडी बोल सकते हो आप या फिर साइंस बोल सकते हो साइंस बोल सकते हो तो सोशियोलॉजी जब एज ए डिसिप्लिन इमर्ज होता है तो क्या कैसे इमर्ज होता है जैसा कि आप लोगों ने आंसर किया एक साइंस ऑफ सोसाइटी स्टडी ऑफ सोसाइटी है ना समझ में आया आपको कि ये जो हम लोग ग्रुप में रहते हैं कंपनी बना के है ना ये जो हम लोग ग्रुप में रहते हैं ये जो हमारा सोशल नेचर है अच्छा सोशल का मतलब क्या होता है इससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा सोशल व्हाट डू वी मीन बाय सोशल सोशल क्या है समझ में आ रहा है सोशल खुद में एक सवाल है ये दिल्ली के बच्चे हौज खास सोशल और कनॉट प्लेस सोशल इसके बियॉन्ड वो मत सोचिए ठीक है ये शब्द आपने बचपन से सुना होगा ना सोशल हो रहे हैं हम सोश सोशल साइंस का क्लास है मेरा स्कूल में सोशल स्टडीज पढ़ते थे सोशल शब्द का मतलब क्या होता है देखिए हम जो मनुष्य होते हैं ना हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग में एक प्रकार का इंस्टिंक्ट होता है क्या ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट मैकडॉगल एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला था कि हम सब में एक इंस्टेंट होता है ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट एरिस्टॉटल इसलिए बहुत फेमसली कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल एरिस्टॉटल क्या कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल मतलब हम हमारा जीने का तरीका कैसा है कि हम ग्रुप बना के रहते हैं हम मनुष्य हमारी जो स्पीसी है होमोसेपियन है ना जैसे कीड़ा मकोड़ा जैसे एंट्स एंट भी सोसाइटी बना के रहती है एंट एक स्पीसी है इवन एंट इज अ सोशल स्पीसी Social means interaction between two or more. Interaction between two or more. To social relationship agar hum Bolenge. What does that mean? What is meaning of social relationship? Social relationship means relation established between

but these are basics of sociology and that is why in order to understand sociology you require certain basics and that will be provided by me in the class that is why after orientation there will be syllabus discussion after syllabus discussion three to four classes will be given to development of basic understanding These you basic terms hai, ki systematic study ka kya hota hai, what is meaning of scientific study what do we mean by

समझने की कोशिश करो ओरिएंटेशन क्लास है यू डोंट नीड टू नोट एनी नाउ पढ़ाना नहीं शुरू किया बेसिक सब्जेक्ट से तुमको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं तुम्हारे कोर्स से तुमने चुन तो लिया है सोशोलॉजी बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड ना कि यह सब्जेक्ट है क्या तो वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं क्लियर Right, so now why I am explaining you what is sociology? There would be many students in class who would be from non-sociological background. How many of you are from non-sociological background? Most of you would be from non-sociological background. Obviously, some of you would be from sociological background. Every year, I get few students who are doing either MA or PhD in syllabus in U uh, in sociology. However, they struggle a lot when they have to prepare for UPSC for. Uh,

इन द कोर्स आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी सोसाइटी के बारे में और सोशियोलॉजी के बारे में नाउ व्हाई डिड आई आस्क दिस क्वेश्चन दैट हाउ मेनी आर ऑफ यू फ्रॉम नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड इज दैट आई वांट टू गिव यू गाइस अ रियलिटी चेक 95% ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट सिलेक्टेड बाय यूपीएससी आर फ्रॉम नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड आर फ्रॉम नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड मोस्टली यू वुड फाइंड दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड दे आर फ्रॉम नॉन सोशियोलॉजिकल ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के किसी बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में रखा है लेकिन सोशियोलॉजी रखा है और क्रैक कर लिया बट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो बहुत ज्यादा बच्चे आप देखोगे राइट हाउ कम अब्जेक्ट which is popularized as queen of social science is becoming student coming from technical backgrounds student coming from non sociological backgrounds and how using sociology they are able to crack the examination why why they are able to do that please understand that sociology as an academic discipline is going to be new to you Sociology as an academic discipline is going to be new to you, right? But society is not new to you. Society, aapke liye naya hai. right from your childhood when you took birth and your father took you in your arms, your mother developed unquestionable commitment. स एंड लव टुवर्ड यू योर ग्रांड फादर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग कल्चरल वैल्यूज इन यू यू वर पार्ट ऑफ सोसाइटी जब आप जन्म लेते हैं राइट आप सोसाइटी का पार्ट बचपन से रहे आपका जन्म हुआ अस्पताल में आई सिस्टर पिताजी को बोले कि लड़का हुआ या लड़की हुई पिताजी आपको गोद में ली है सोशल रिलेशन वही बन गया पहला पिता पुत्र का सोशल रिलेशन और सोसाइटी के पहले इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपोजर हो चुका है सबसे पहले इंस्टीट्यूशन कौन सा सोसाइटी का है जिससे आदमी एक्सपोज होता है फैमिली फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन फिर उस परिवार में धीरे धीरे तीन चार साल के हो गए माँ आपको भाषा सिखाएगी लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ कल्चर अगेन एन एलिमेंट अ सोशल आइटम एलिमेंट ऑफ सोसाइटी बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज वी आर एबल टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी तो मम्मी आपको भाषा सिखाएगी पापा आपको भाषा सिखाएंगे फिर पता चला घर में मम्मी दादाजी आपको धर्म सिखाएंगे कि आपको आदाब करना है नमाज पढ़ना है दुआ पढ़नी है या आपको पूजा पाठ करना है श्लोक मंत्र करना है या आपको चर्च में जाकर प्रे करना है फैमिली आपको बता रहा है सो यू आर गेटिंग एक्सपोज टू अनदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी दैट इज रिलीजन फिर कुछ साल बाद बोलेंगे पापा मम्मी तुम खूब रोगे क्या मम्मी स्कूल नहीं जाना है बट सब तुमको स्कूल भगाएंगे जाओ जाओ स्कूल जाओ घर में क्या हुआ आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन हुई देन यू गो टू स्कूल विल लर्न विल गेन नॉलेज अबाउट दिस वर्ल्ड यूल ऑल्सो गेन लॉड ऑफ नॉलेज अबाउट सोसाइटी यूल लर्न अबाउट मैनरिज्म जैसे स्कूल में आप देखोगे आपका नाखून बड़ा है पनिशमेंट यूनिफॉर्म गंदा है पनिशमेंट क्लास में लेट आयो पनिशमेंट टीचर पढ़ा रही है बात कर रहे हो पनिशमेंट क्या हो रहा है सोसाइटी में जीने का तौर तरीका सिखा रहा है अगेन इट इज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन सेकेंडरी सोशलाइजेशन सो यू गेट एक्सपोज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगेन अ सोशल इंस्टीट्यूशन फिर अट्ठा बड़े हो गए अठारह साल के हो गए हो अब खाए हो इस बार तो हम वोट करेंगे ही हम ही लाएंगे तब्दीली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जाके तुम वोट कर रहे हो यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस यू आर ट्राइंग टू इंफ्लुएंस कंट्रोल पावर इन इंडियन सोसाइटी एंड हु विल एक्सरसाइज पावर इन इंडियन सोसाइटी यू आर गेटिंग एक्सपोज टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शुरू हो गया आपका अठारह साल के हुए आप वोट करेंगे राइट right. फिर मान लो आप जो भी आपका चॉइस था इंजीनियरिंग मेडिकल आई जो भी हुआ क्या आप कमाना है पैसे राइट तो यू स्टार्ट अर्निंग यू आर गेटिंग एक्सपोज टू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन तो लाइफ में अलग अलग स्टेज में आप सोसाइटी आप में ही ग्रो किए हो और सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से एक्सपोज होते रहे हो टाइम टू टाइम सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से एक्सपोज होते रहे हो टाइम टू टाइम अरे भैया आपको ये नहीं पता होगा कि वॉट इज अकेडमिक डेफिनेशन ऑफ मैरिज बट एसेंस ऑफ मैरिज तो पता है ऐसा तो नहीं ना कि हम आपको बोलेंगे कि बाबू वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई मैरिज और तुम एकदम ऐसे बहुत बता होके खड़े हो जाओगे नहीं मैरिज कुछ तो तुम्हारे दिमाग में विजुलाइज होगा एक लड़का होता है एक लड़की होती है दोनों शादी कर लेते हैं फिर एक साथ रहते हैं कुछ भी दिमाग में बनेगा समझ में आया प्लीज अंडरस्टैंड दैट राइट यू अबाउट कास्ट यू मे नॉट बी नोइंग थियोरीज ऑफ कास्ट बट समवेयर इन योर लाइफ यू वुड हैव डेफिनेटली फेल्ट इंपैक्ट ऑफ कास्ट यू वुड हैव गॉट सोशलाइज अलोंग विथ कास्ट लाइन अपने घर में शादी ही देखते हो गए बूढ़ा लोग बहुत छोटा बच्चा हो गए बूढ़ा लोग मान लो किसी दीदी की शादी का बात कर रहे हैं और घर पे बात कर रहे नहीं नहीं वो हमारे बिरादरी के लोग नहीं है हमको अपनी ही बिरादरी में शादी करनी है ये वो तुम्हारे दिमाग में यहां से क्या आइडिया बन रहा है अच्छा अपने कास्ट के अंदर ही शादी होती है अपने धर्म के अंदर ही शादी होती है तुम समझ रहे हो सो वॉट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट यू मे बी फ्रॉम नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड बट यू डू नॉट नीड टू गेट स्केर्ड फ्रॉम सोशियोलॉजी

चीज को करने के लिए ये डिसिप्लिन सोशियोलॉजी हमको हेल्प करता है आपके वेग होंगे कोई बोलता होगा सर व्हाई सोशियोलॉजी क्योंकि मेरा दोस्त ले लिया कोई बोलेगा व्हाई सोशियोलॉजी क्योंकि तो, इससे बहुत टॉपर चूज होके आ रहे हैं yes. यस आपकी बात गलत नहीं है अगर आप रैंक रैंकलिस्ट देखते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सोशियोलॉजी से हो रहा है लेकिन उसके पीछे अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर प्रेपरेशन ऑफ सोशियोलॉजी बस क्योंकि कोई एक टॉपर सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा किया है तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छा कर लोगे सोशियोलॉजी इज अ डिसिप्लिन व्हिच इज अबाउट सोसाइटी सो दोज़ Kind of people, जो कि सोशल होती नेचर में सोशोलॉजी इज लाइक फिजिक्स है ना सोशोलॉजी को मैं फिजिक्स से इक्वेट करता हूं फिजिक्स क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड है ना कि यह पेन है हाथ में ये ऐसे करके गिर गया अब न्यूटन बाबू साहब पहली बार जब सेब गिरते हुए देखे होंगे तो उनको थोड़ी पता चल गया होगा एक बार में ही ग्रेविटेशन का फॉर्मूला अपने कॉपी में क्या नोट डाउन किए होंगे जनरलाइज किए होंगे एप्पल फॉल्स ऑन ग्राउंड फिर देखे होंगे सारा एप्पल नीचे गिरता है तो नेक्स्ट जनरलाइजेशन किए होंगे ऑल एप्पल्स फॉल ऑन ग्राउंड फिर दूसरे गुआवा मैंगो ऐसे ऐसे फार्म में गए होंगे लिखे होंगे ऑल फ्रूट्स नया जनरलाइजेशन नया खोज उनका ऑल फ्रूट्स फॉल ऑन ग्राउंड फिर आइजाक न्यूटन जो है बाकी समान वस्तु सबको फेंके होंगे देखेंगे सब कुछ नीचे गिर रहा है फिर लिखे होंगे ऑल एवरीथिंग फॉल्स ऑन ग्राउंड और उसके बाद कहीं जाके वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के फाइनली इस चीज पे पहुंचे होंगे कि टू बॉडी हैविंग वेट मास m1 एंड m2 स अपार्ट बाई द डिस्टेंस आर हैव असलाइड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपिकेशन ऑफ मासेस ऑफ दो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिट्वीन दम यही है ना ग्रेविटेशन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंटली लेना अलग बात है बट मैं तुमको समझा के आ रहा हूं इस पे कैसे अराइव किया फिजिक्स थोड़ी पढ़ाना है मेरे को मैं तुमको बस बच्चा की तरह समझाना चाह रहा हूँ कैसे अराइव किया ऑब्जर्व किया नेचर में कैसे मोशन होता है उन सब चीजों को ऑब्जर्व किया उससे थियोरी डिड्यूस किया है ना और एक थियरी से फर्दर उसको अप्लाई करके और थियोरी डिड्यूस किया कोई भी साइंस बॉडी ऑफ नॉलेज ज्ञान पे के प्रति ज्ञान तक ऐसे ही अराइव करती है साइंस है क्या करता है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है ना

निकिता साक्षी ये दोनों अगल बगल बैठे हुए राइट और यहां पे अभिमन्यु और तनु ठीक है तनु नाम है ना हा तनु यादव तनु ये दोनों अगल बगल बैठे हुए राइट अब साक्षी जो है मेरा कल का लेक्चर मिस कर गई जब साक्षी कल का लेक्चर मेरा मिस कर गई तो वो निकिता को बोलती है बहन कॉपियां दो ना सर का लिखी हो नोट्स निकिता उसको बोलती है हाँ बहन लिखे हैं नोट्स दोगी अरे बहन बिल्कुल देंगे तुम तो मेरे क्लास की स्टूडेंट हो तुम तो सोच तुम भी यूपीएससी का प्रिपेयर कर रही हो हम भी यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं हम दोनों तो एक दोस्त हैं ये लो और ऐसे करके वो जो अपना नोट्स है पास ऑन कर देगी निकिता को राइट अब कोई सोशियोलॉजिस्ट इस इंटरेक्शन को देख रहा है तुमको बेसिक लेवल पे क्या लगेगा एक्सचेंज ऑफ नोट्स हो रहा है लेकिन कोई सोशियोलॉजिस्ट इसको जब पढ़ेगा मैक्रो लेवल पे लार्जर लेवल पे तो क्या बोलेगा इट इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन इट इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन अच्छा और एनालिसिस देखो अब कोई भी रिलेशन को एनालाइज करने का सोशियोलॉजी में क्या होता है अलग अलग पहलू होता है समाज को सत्य को रियलिटी को देखने का किसी को एक्चुअल रियलिटी पता नहीं है सोसाइटी ना एक हाथी की तरह है ठीक है सोसाइटी को समझो सी आई एम वेरी बैड विद ड्राइंग्स इसीलिए मैंने साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होने के बावजूद मैंने ज्योग्राफी बस एक कारण से नहीं लिया था बिकॉज आई एम पैथेटिक एट मेकिंग ड्रॉइंग्स प्लीज डोंट जज मी प्लीज डोंट जज मी हम हाथी का कान बना है जो भी है समझ जाओ कि ये गाय है या हाथी है क्या पता नहीं बटेंस समझो हम क्या दिखाना चाह रहे यहां कि हाथी है एक ठीक है ये हाथी का टेल है मान लो अब हम निकिता साक्षी अभिमन्यु तनु चारों को हाथी के सामने लाते हैं चारों के आंख पे पट्टी बंधा हुआ है ठीक है चारों के हाथ पे पट्टी बंधा हुआ है चारों अंधा है अब निकिता आती है ऐसे करके टच करती है तो निकिता के हाथ में हाथी का सूढ़ आता है ट्रंक निकिता इज एबल टू होल्ड ट्रंक ऑफ द एलिफेंट सो वॉट डज निकिता रियलाइज दैट सोसाइटी इज लाइक या एलिफेंट इज लाइक स्नेक समझ रहे हो देन कम्स साक्षी साक्षी इज एबल टू होल्ड इयर्स ऑफ एलिफेंट तो साक्षी को क्या लगा कि पीपल का पत्ता या बनियन ट्री का पत्ता के टाइप का है सो एलिफेंट एंड इज लाइक लीफ देन कम्स अभिमन्यु अभिमन्यु के हाथ पे भी पट्टी है वो टच किया तो मान लो उसका यहां बॉडी टच होता है और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग लगा तो अभिमन्यु विल थिंक एलिफेंट इज लाइक वॉल समझ रहे हो एंड लास्ट में तनु आई ना उसका टेल छुई तो टेल छुए क्या लग रहा है इट इज लाइक रोप तो देख रहे हो चार आदमी चारों के आंख में पट्टी है जो, जो पार्ट महसूस किया उसको वैसा आइडिया लग रहा है तो पहले के पहलू से पहले व्यक्ति मतलब निकिता के नजरिया से निकिता के पहलू से फ्रॉम निकिता परस्पेक्टिव एन एलिफेंट इज लाइक सरपेंटाइल इट इज लाइक स्नेक फ्रॉम पर्सपेक्टिव एन एलिफेंट इज लाइक लीफ क्योंकि उसने कान पकड़ा था फ्रॉम अभिमन्यूज पर फ्रॉम तनुज परम सत्य नहीं है हां यह सब हाथी के एक एक पहलू को देख रहे हैं इसी प्रकार से सोशल साइंटिस्ट किसी को सत्य पता है सत्य किसी को पता है किसी को कंप्लीट क्लैरिटी तो सत्य के ऊपर है नहीं राइट आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट सोशल so, साइंटिस्ट क्या करते हैं सोसाइटी के पहलुओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं और वहां से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं परस्पेक्टिव इसको हम लोग क्या बोलते हैं परस्पेक्टिव को एक बच्ची है जिसका के से नाम है अभी धीरे धीरे मेरे को आप लोगों का नाम याद होगा उसने कमेंट में यह चीज लिखा था कि सर वेन वी स्टडी सोसाइटी फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव लिखा था मैंने आंसर पढ़ा था बेटा जो भी आप लोगों से होंगे आपको पता होगा आपने वो चीज लिखा था मैंने था मैंने पढ़ा जब उसका समय आएगा तब तो मैं उस चीज पर हाईलाइट करता इसका मतलब क्या हुआ है कि समाज को समझने का जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना उसी तरह से समाज के कई सारे पहलू हैं और बहुत सारे चश्मे नजरिया क्या हुआ मतलब अलग अलग लेंस से आप चीजों को देख रहे हो अभी हम इसके बदले लाल गोगल लगा ले तो हमको सब कुछ लाल लाल लगेगा समझ में आ रहा है ना तो अलग अलग तरीके से लोग देखने का कोशिश करते हैं तो इसीलिए सोशियोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो मल्टीपल जो अलग अलग नजरिया है मल्टीपल सोशियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल्टिव पढ़ते हैं और जैसा आपका देखने का नजरिया उसके हिसाब से आप थे बनाते हैं तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है मेजर थियोरिटिकल स्ट्रैंड वो बेसिकली आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाता है क्योंकि वो आपका पर्सपेक्टिव जब आप रिसर्चर बनते हैं तो आपका बेस बनाता है थेरी बनाने के लिए तो मैंने अभी आपको बताया कि निकिता और इसके बीच में जो ये रिलेशन था इसको जब हमने देखा एक लार्जर सोशल पर्सपेक्टिव से तो हमको क्या पता चला कि कॉपी का एक्सचेंज नहीं इट इज सोशल प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन लेकिन ऐसा कौन लोग मानेंगे जिनको हम बोलेंगे सोशियोलॉजी में फंक्शनलिस्ट ये टर्म देख के ना मत ये आगे सौ बार जीवन में आएगा जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा और तुमको तब समझ आएगा तुम बस समझो कि फंक्शनलिस्ट मतलब जो भी सोसाइटी में इंटरेक्शन हो रहा है उसका कुछ ना कुछ ऐसा पहलू है कि सोसाइटी की कुछ जरूरत पूरी हो रही है ऐसा व्यक्ति इस नजरिए से देख रहा है तो उसको लग रहा है कोऑपरेशन लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको अलग नजरिए से देखेगा तो फॉर एग्जाम्पल अभी तो तुम लोगों को बोला कि कॉपी का एक्सचेंज हुआ तो तुम लोग इसको कैसे देखे इन दोनों के बीच का रिलेशन तुम लोगों कोऑपरेशन का रिलेशन लगा लेकिन अब हम आगे का सिनेरियो तुम लोगों को इमेजिन करवाते हैं लेट मी मेक यू गाइज विजुअलाइज द अदर एस्पेक्ट, द अदर परस्पेक्टिव ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन निकिता एंड साक्षी राइट निकिता इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साक्षी इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेम 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 तो दोस्ती हो गई दोनों में लेटर निकिता से फॉर एग्जाम्पल कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल आई डोंट नो विच स्टेट यूज कम फ्रॉम साक्षी ऑल्सो कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश सो बोथ आर एस्पायरिंग फॉर मध्य प्रदेश तो अभी भी सेम 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 हम बहन हम बहन एक साथ रहेंगे पूरा कोऑपरेशन चल रहा है बट अल्टीमेटली वेन दिकम आई एस ऑफिसर दर इज ओनली वन सीट ऑफ कलेक्टर ऑफ इंदौर इंदौर का कलेक्टर एक ही हो सकता है ना नाउ निकिता ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम कलेक्टर ऑफ इंदौर एंड साक्षी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम कलेक्टर ऑफ इंदौर अब रिसोर्स कम और ये कोऑपरेशन क्या किस चीज में बदल गया कंपटीशन तुम सबको लग रहा है कि तुम लोग क्लास में जो बैठे हुए हो दोस्त हो मित्र हो तो रियलिटी तो कुछ और है what is the actual reality are you guys friends no you guys are competitors all of you are competing in a race to see your name in the merit list so that you get an opportunity to serve bureaucracy you get an opportunity to serve Indian bureaucracy much कैसे तुम्हारा अभी इन दोनों के बीच में कॉपी एक्सचेंज को तुम लोग समझ रहे थे कैसे लगा कि ये लॉन्ग टर्म में में तो कंपटीशन कन्वर्ट हो सकता है उनको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव वाले उनको क्या बोलेंगे कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव वाले राइट वो क्या बोलेगा अब वैसा व्यक्ति क्या बोलेगा कि निकिता इसीलिए कॉपी दे रही है साक्षी को वो हेल्प नहीं करना चाहती है। वो साक्षी का ना अपने ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाह रही है साक्षी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी तो वो कभी सेल्फ सफिशिएंट बन ही नहीं पाएगी जब वो सेल्फ सफिशिएंट बन नहीं पाएगी उसका नेचर डिपेंडेंट रहेगा तो वो एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाएगी निकिता कॉपी देके अपनी कंपटीशन को हटा रही है क्योंकि तो कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव वाले जो होते हैं वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही देखते हैं तुम देख रहे हो एक ही एक एक्सचेंज ऑफ नोटबुक हुआ था ना एक तुम्हारे अगर छोटे सेंस में देखो तो बड़ा ही ट्रिवियल सा मैटर था दो दोस्तों के बीच में एक्सचेंज ऑफ नोटबुक इसका कितना सोशियोलॉजिकल इंप्लीकेशन हमने निकाल लिया सोशियोलॉजी सो वाई सोशियोलॉजी बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वाई सोशियोलॉजी बिकॉज इट इज वेरी लॉजिकल लाइक फिजिक्स है ना आपको वॉट इज

बोलूंगा अपर कास्ट दलित को एक्सप्लॉयट करता है तो इसमें तुमको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है हाँ तुम उस कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुमको दिखता है कि दलित्स को टेम्पल में एंट्री नहीं देते हैं उनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो यस उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इट इज ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज बाई दिल बी पुश बैक फ्रॉम दलित डिमांड फॉर सोशल जस्टिस अप्लाई कर दिए जो फॉर्मूला सीखे उसको अप्लाई कर दिए दैट इज सोशियोलॉजी दैट इज अलॉजी बिकम्स एन इजी डिसिप्लिन राइट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अप्लाइंग इट एवरीवेयर इज एक्सट्रीमली इजी दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट अनदर बेनिफिट वाई यू नीड टू पिक सोशियोलॉजी लेट मी एड अ पेज टू इट वाई इज बिकॉज वेन यू लुक एट दिलेबस you would realize that there is high degree of integration with general studies portions obviously once i start teaching you the syllabus and by the time we end the syllabus of paper one and paper two it will be quite clear to you guys that high, how sociology has got

इंटीग्रेटेड विच इज कनेक्टेड टू हिस्ट्री देन इन पार्ट सी ऑफ पेपर टू वीव गोट अ टॉपिक कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट मूवमेंट देशन विद योर जीएस का सिलेबस है ना सो जीएस टू में भी वो आ जाता है जीएस वन में भी आ जाता है लाइकवाइज जीएस टू जीएस टू में जो सोशल जस्टिस का पार्ट है देर इज डायरेक्ट को रिलेशन विद दिस पार्ट है ना नाउ जीएस थ्री जीएस थ्री के भी कुछ पोर्शन है वेन यू लुक एट दार्ट सी ऑफ पेपर टू ऑफ सोशोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस देर इज टॉपिक कॉल्ड विजन ऑफ सोशल चेंज इस पे आप क्या पढ़ोगे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस पढ़ोगे कि जो मिक्स्ड इकोनमी पॉलिसी हम डेवलप किए या जो एलपीजी पी रिफॉर्म्स हुआ या फिर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ये सब आप कहाँ पढ़ते हो इकोनॉमी में पढ़ते हो राइट right? इसका सोसाइटी पे सोशल रिलेशन पे सोशल इक्वालिटी इन इक्वालिटी पे इन सब पे क्या इंप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस हुए सो बेसिकली वॉट एम ट्राइंग टू हाईलाइट सी इट विल हैव इट्स इंटरसेक्शन इन पेपर थ्री एज वेल एंड देन इन पेपर फोर इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इन जनरल नाउ पेपर फोर

हिंदू सोसाइटी का जो एम ऑफ लाइफ होगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन से पहले ट्रेडिशनल थीम पढ़ाना होता है तो आपको मैं आपको उसमें आश्रम सिस्टम भी पढ़ाऊंगा और फोर एम्स ऑफ लाइफ जो है धर्म मोक्ष का, काम और अर्थ ये सब पढ़ाऊंगा सेम यही चीज आपको एथिक्स में भी है सेम थिंग इज अप्लाइड इन एथिक्स ऑल्सो सो दैट इज वेयर ऑल्सो इट बिकम्स यूजफुल फॉर यू गाइज देन अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इन जनरल इट बिकॉज देखो सोशोलॉजी में क्या है मल्टीपल परस्पेक्टिव बहुत सारी नजरिया बन जाता है आपका तो जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करते हो क्योंकि यू आर अवेयर ऑफ मल्टीपल परस्पेक्टिव तो आप बहुत सारे पहलुओं को कंसिडर करते हुए के स्टडी का आंसर लिखते हो So it enhances your in general ability to write better answers to the case studies. Why? Because of sociological expertise, you would be able to consider multiple perspectives and dimensions before taking a decision. Before taking a decision. So better answer to the case studies that is there. And then essays direct relation. It will enrich your content for essay and it will give you a lot of fodder.

लेकिन फिर भी उस सेलेक्ट हो गया क्यों क्योंकि जीएस में अच्छा है जीएस में अच्छा है एवरेज से क्यों क्योंकि का कारण क्या हुआ जीएस वन में एवरेज बच्चा को आ रहा मान लो नब्बे नाइनटी उसको आ रहा है उसके बदले में कितना उसको आ रहा है उसके बदले में वन टेन जो दस मार्क्स का बीस मार्क्स का आपको कॉम्पिटेटिव एज मिलता है

S minimum 17 questions in i'm giving you this data of analysis of past five years of sociological syllabus Usse pehle ki 95 percent questions used to be static theme still minimum 17 and maximum of 23 in the last five years has been from static themes only Hana, एंड जो करंट डायमेंशन से आता है वो करंट अफेयर नहीं आएगा और वो कोई सेपरेटली आपको सोशियोलॉजी या करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर करना होता है प्लीज अंडरस्टैंड दिस मोहित यू आर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फॉर जीएस ना द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जीएस सिलेबस ओनली फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूपीएससी है यू प्रिपेयर इट फॉर जनरल स्टडीज ओनली नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी You basically asked this question twice so it is easy for you to handle that or say there was a question which was asked on work from home now why this dynamic increase because pandemic happened so question had come on work from home now this was a response of our economic system to the pandemic situation so likewise a question had come so you don't need to prepare separately whatever is relevant first of all that is getting covered through your gs preparation secondly what is more important is that you would require sociological analysis of such kind of themes and that is my responsibility and that is what where my responsibility lies so what would i do लास्ट ईयर भी पूछा था 2021 में भी पूछा था अलकेश लोढ़ी दिस हैड आस्ट इन 2021 एज़ वेल well. ठीक है एनीवेज अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो पहले सो मोहित आंसर टू योर क्वेश्चन वंस अगेन व्हाटएवर टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू बी हॉट इन जनरल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव विल एनी हाउ बी कवर्ड बाय मी इन द क्लास सो

I taught my previous class these topics. Why? Because because of this, this can come. Ethno-nationalism diya. Now, is caste-based census in your syllabus? No. If you look at the syllabus of caste system, you just have views of poor thinkers of caste system, feature of caste system, and untouchability and associated theory. But since caste-based census from quite some time have been in use i taught my batch likewise new education policy previous batch i had taught this batch i did not teach because it shall nahi puchega 2021 mein and that's here that had come so i'll integrate whatever current in current is happening i'll integrate it to the static portion and then i'll teach you so you don't need to worry for that you just prepare to be current affairs you prepare for your gs subject holistically do that and then whatever is relevant for sociology especially from the sociological analysis point of view that will be taken care by me right so that will get covered now moving forward what to expect from sociology optional over here will lie all those questions that you guys were asking mohit is it clear to you

ठीक है मोस्ट ऑफ द क्वेरीज इन योर माइंड पहले ये बोलो इफ योर प्रीवियस क्वेरी इज क्लियर मोहित हाँ तो बस जिसको भी समझ में आता है ना एक बार लिख दो अंडरस्टूड सर क्लियर सर सो दैट इट इज इजी फॉर मी कि अच्छा वो समझ गया अब उस ज्ञान बंद करके आई कैन क्विकली स्विफ्टली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ठीक है सर आई प्रिपेयर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स देन हाउ आई शुड मैनेज फॉर करेंट फॉर ऑप्शन अरे फिर से इसका मतलब तुम नहीं समझी आकांक्षा अलग से करंट कुछ नहीं होता है सोशियोलॉजी का स्टैटिक पोर्शन अगर मैं सिखा दूंगा उसके बाद क्या है कि जो भी तुम जीएस के लिए करंट पढ़ती हो ना बाबू प्लीज अंडरस्टैंड दिस वट एवर टॉपिक यू प्रिपेयर फॉर जीएस उसी से पूछेगा नथिंग एक्स्ट्रा सर आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड आई हेड सोशलॉजी एज माई माइनर पेपर इंग ग्रेजुएशन विल आई फेस इन नो नो आई टीच यू फ्रॉम बेसिक्स इश्यू ऑफ इंटीग्रेशन इन ऑटोनॉमी में यू डोन्ट है मणिपुर का एग्जाम्पल इश्यू ऑफ इंटीग्रेशन एंड एटोनोमी के तो अलग अलग एग्जाम्पल है डेवलपमेंट के ठीक है वहां पे अभी जो इशू है वो एथनो नेशनलिज्म का है मैथी और कुकी पीपल दो डिफरेंट एथनीसिटी के लोग हैं और वो बोल रहे मेरा स्टेट मेरा और वो बोल रहे मेरा तो अपनी कॉमन आइडेंटिटी इंडियंस दे आर नॉट बीइंग यूनाइटेड एज कॉमन मणिपुरी आइडेंटिटी और कॉमन नेशनल आइडेंटिटी दे आर लिमिटिंग देयर कॉन्शियसनेस And solidarity on basis of their ethnic identity, so there is solidarity between ethnic groups, and the other ethnic group is being seen as competitor to your resources. So there is antagonistic rivalry with other ethnic group, and that is why it would fall under example of ethno nationalism. यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब हो गया तब समझोगे कि सही चीज का एग्जाम्पल कहां सही जगह यूज करना है सो डोंट वरी वही काम है मेरा यस yes, करेक्ट बिल्कुल सही वही काम है मेरा एंड वही मैं आपको सिखाऊंगा नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल नाउ इफ समवन इज थिंकिंग कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल से आपके साढ़े तीन सौ या आपके चार सौ मार्क्स आ जाएंगे पांच सौ में तो इट इज अ पॉल्स एक्सपेक्टेशन पॉल्स एक्सपेक्टेशन है ना क्या सोशोलॉजी में तीन सो आते हैं बड़े आराम से आते हैं तीन सौ पंद्रह भी आ जाते हैं तीन सौ उनतीस भी आ रखा है राइट बट आई एल बी वेरी रियलिस्टिक दो सौ अस्सी से 320 तक अगर आप पहुंच रहे हो यू आर डूइंग गुड ठीक है यू आर डूइंग गुड क्लियर प्लीज बी पेशेंट ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बुक्स उक्स एक बार मैं इन लोगों को शो चला के दिखा देता हूं भाई देखो पूरा ना सिलेबस भी हाँ, मेरे को डिस्कस करूं आगे आने वाले दिनों में मैं क्या करूंगा अब सिलेबस भी मैंशंड है उसके बाद बुक लिस्ट भी मैंशनड है उसके बाद में डूज डोंट्स क्या है सब बताऊंगा तो तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो लेकिन एक स्ट्रक्चर से चलेंगे ना बच्चा एक स्ट्रक्चर से आदमी चलेगा ना यस डोंट वरी आई नो आई एट इन स्कोरिंग थ्री हंड्रेड एंड टेन एंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन प्रभात सौरभ डोंट वरी अबाउट दैट तो वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सोशोलॉजी तो जो भी बच्चा पूछ रहा है बुक लिस्ट सिलेबस धैर्य पेशेंस कद्दू कटेगा सब में बटेगा मैं अब तुम्हारा ही हूं सात महीने के लिए मैं कहीं भी जाऊंगा क्या नहीं जाऊंगा तो तुमको सब और तुम लोग किसके छात्रों पर ये बताओ मेरी हो। अगर तुम लोग को ये सब इंफॉर्मेशन पास नहीं होगा तो तुमसे ज्यादा बड़ा लॉस मेरा होगा ना कि मेरे बच्चों को चीजें क्लियर नहीं होंगी मेरे बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे देखो हम दोनों के बीच में ना सिंबायोटिक रिलेशन है सिंबायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माइन मैं दम लगा के पढ़ाता हूं कि तुम एग्जाम निकालो और तुम जब एग्जाम निकालोगे और बोलोगे कि शेखर सर के स्टूडेंट थे शेखर सर के पढ़ाने से निकाले निकले तो मेरा नाम फैलेगा तो मेरा नाम फैलेगा बेसिक लॉजिक So, anything which I need to deliver you, I have to deliver you because there is my own self interest lying in your success. We have a symbiotic relationship. So, I don't what I am And trust me, some of you guys know me, others don't. For you, I would be a teacher of PW, but there are some students in this class also who know me that I have a background of teaching in offline classes.

रीजन आई केम मैं वो, वो टीचर नहीं हूँ सो प्लीज अंडरस्टैंड वो सारे क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा लेकिन मैं टीचर हूं मुझे एक्सपीरियंस है तो तुम लॉजिक से सोचो कि मुझे पता होगा ना कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन पास करने का तो एक अच्छे स्टूडेंट का क्या जॉब होता है कि तुमको अपने आप हाँ को मुझे समर्पित करना होगा है बी पेशेंट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा अभी तुम्हारा एग्जाम निकलने से ज्यादा बड़ा स्वार्थ मेरा है तुम एग्जाम निकालोगे तो मेरा डायरेक्ट फायदा है तुम सोचो ना कल को तुम बोलोगे ना शेखर सर हेल्प किए एग्जाम निकालने में तो लोग मुझे भी जानेंगे ना मेरा भी नाम होगा सो बेसिक लॉजिक दैट इज वाई आई पास यू ऑल दोज नेसेसरी इंफॉर्मेशन Which is required by you to crack this examination. Now be patient and silently listen to what I'm trying to tell over you. What to expect from sociology optional? Please do not set false expectation. Someone who promises you that you can score up to 350 and all. Never, and I mean never set your expectations at exceptions. Exceptions are one off case. किसी को कल साढ़े तीन सौ आ भी जाएगा ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको साढ़े तीन सौ आ रहा है अगर वैसा तुम सोचो तुम बेवकूफ हो हमेशा ना जेनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी समझो है ना तो जो जनरल पैटर्न होता है ना पैटर्न पैटर्न को तुम एक्सेप्ट करने की कोशिश करो तो पैटर्न क्या है 280 से 320 आप पहुंच रहे यू आर डूइंग गुड नाउ आई गारंटी यू

मुझे देखे थे मतलब उस समय में आप लोग में से कुछ जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना सर हाउ इज योर बैग हाउ इज योर बैग ये सब मेरे वो जीएस बैच के बच्चे रहे होंगे जो हु नो हु आई एम तो मेरी सिचुएशन काफी खराब थी तो मैं दो महीने तक क्लास नहीं लिया था तो अगस्त में जाके वो बैच खत्म हुआ था अब उसमें से मेरा एक बच्चा है धर्मेंद्र रवि ट्रस्ट मी एंड दिस इज फॉर यू मोहित एंड एवरी एल्स एज वेल लाइफ में फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज लिख रहा था उसका प्री किसी तरह निकल गया देन वो अलग से मेरे को पर्सनली किया मैंने उसको बताया मेरे नोट्स क्लास नोट्स बस उसको तुम बस उसी को पढ़ो उसी को रटो ही जस्ट रेड माई क्लास नोट जस्ट वंस नथिंग एल्स टेस्ट सीरीज भी नहीं लिख पाया था उसके पास टाइम नहीं था जस्ट वंस एंड ही स्कोर टू फिफ्टी नाइन जस्ट वंस मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि सिर्फ मेरे क्लास पे के नोट पे आप रिलाई करोगे बस आप उसी को बस एक राउंड बस पढ़ोगे आपको 260 से 270 तो ऐसे ही आ जाएगा आप कुछ नहीं कियो, कोई दिमाग नहीं लगाए बस उसी को पढ़कर रट लियो और थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट हो कि आप अगर आंसर स्ट्रक्चरिंग अच्छा करना जानते हो थोड़ा फास्ट लिख पाते हो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है है ना थोड़े एग्जाम्पल आप जैसे फास्ट क्यों बोला कि उसको जब रवि धर्मेंद्र को जो 259 आए हैं उसमें से उसके पेपर वन में एक क्वेश्चन और पेपर टू में दो क्वेश्चन छूट गए थे पेपर वन में एक क्वेश्चन और पेपर टू में दो क्वेश्चन छूट गए थे क्यों छूट गए थे ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी ज्यादा तो वो फास्ट पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया राइट right? 260 से 270 तो बिना दिमाग लगाए बस पढ़ लो और तुम्हारा आ रहा है ठीक है क्या है क्यों लिख रहा है क्या लिखा है ये अजय धार द्विवेदी सर तगड़ा ऑफर मिलेगा तब भी पीडब्ल्यू को ही ट्रेड दूंगा अरे यार ये सब छोड़ो ना वो सब नहीं मतलब लेट्स नॉट गेट इनटू दैट अब वो सब भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा उसके बाद तुम क्या करोगे ऐसा कुछ नहीं है तुमको अगर पैसा रखने का मन करेगा रखना उन सब चक्कर में मत पड़ो अब आज से ना ख्याली पलाव बंद करो कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे आज से तुम स्टूडेंट बनो मतलब अब आज में जियो तुम्हारा गोल होना चाहिए आज जो क्लास में पढ़ाया सर उसको समझे उसको रिवाइज करें ऑन ऑल दैट ऐसी चीजें 260 टू 270 राइट एंड इफ उसके केस में तो क्या हो गया था कि वो उसी साल बैच ले रहा था और इमीडिएटली एग्जाम था अगर आप प्रॉपर कंसोलिडेटेड नोट और रिवीजन कुछ नहीं कर पाया था वो बस एक राउंड पढ़ा था अगर आप नोट्स रिवीजन बहुत अच्छे से करते हो अगर आप सेल्फ कंसोलिडेशन करते हो नोट्स वगैरह का और उसके बाद अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो 2025 या 26 में लिख रहा है है ना तुम्हारा सिलेबस जैन एंड तक या फेब, फेब में सात महीना पकड़ लो है ना फेब में खत्म हो जाएगा तुम्हारा नोट्स कंसोलिडेटेड रहेगा तुम उसको रिवाइज करके अच्छे से टेस्ट लिखो वो कुछ नहीं लिख पाया था कब अगले साल प्री के बाद उससे पहले कुछ नहीं यहां जो टेस्ट मिलेगा वो लिख रहे हैं मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो वो कह रहा हूं तुम गारंटी टू पे हो और उसके बाद थोड़ा बहुत तुम्हारा मेहनत अपना अपना मेहनत मतलब क्या हर बच्चे का अलग अलग आई होता है फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छे से याद है मैं जब स्टूडेंट था तो एक केस आया था एक क्वेश्चन आया था सुसाइड पे अब सुसाइड पे मेरे को एग्जाम्पल मतलब स्टूडेंट था मैं लिख रहा था ये टीचर मेरे को नहीं बताया मेरे को सुसाइड की थियरी डरखेंग की आती है एज अ स्टूडेंट आई न्यू डर खैंग आई जस्ट अप्लाइड इट की फार्मर्स न्यू नॉर्म्स yeah, है ना ओल्ड एंड ओल्ड नॉर्म्स उसके बीच में कॉन्फ्लिक्टेड है अनोमिक सुइसाइड सोल्जर्स अल्ट्रोइस्टिक सुइसाइड कोटा में स्टूडेंट आइसोलेट हो गए हैं किसी से मिल नहीं पा रहे हैं इगोइस्टिक सुइसाइड उनका सोशल लाइफ ही खत्म हो गया है कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में है वो इगोइटिक सुसाइड में आएगा ठीक है फिर सुसाइड्स ऑफ दलित सुसाइड क्यों क्योंकि ओवर रेगुलेटेड है सोसाइटी के द्वारा मैंने बस ऐसे एग्जाम्पल बना के लिख दिया अब ये क्या है अपना आई से बच्चा अप्लाई करके क्वालिटी थोड़ा और एनहेंस कर लिया राइट या आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपकी स्ट्रक्चरिंग बेटर हो गई कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच में आपकी क्वेश्चन में स्ट्रक्चर सही है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप दोनों लिख रहे हो अच्छे से और आप जो पैराग्राफ चेंज करते हो उसमें लॉजिकल कोहेरेंस है है ना देर लाइज लॉजिकल कोहेरेंस वेन एवर यू चेंज द पैराग्राफ सो वेन एवर सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन दैट इज वॉट विल टेक यू फ्रॉम टू टू थ्री दैट इज वॉट टेक्स यू फ्रॉम टू to 320. Can you get that randomly? No. See, any student learning from any teacher, take me, take Mohapatra sir, is every student able to fetch 320 of that teacher? The answer is no. But on an average 250 to 260 to 270, almost everyone would be able to fetch but not everyone is fetching 320, not everyone is fetching 315. why? because that difference of 20 marks, that is dependent on what uniqueness, what novelty that candidate brings. You लॉजिक क्या सबको 320 कहीं से भी आते हैं कहीं से भी नहीं आता जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है फ्रॉड है क्योंकि पेपर ही रिलेटिव है तो अब मार्किंग कैसे होती है कि मान लो अभिमन्यु ने एक आंसर लिखा है कंटेंट पूरा सही लिखा है लेकिन अभिमन्यु से पहले मैंने साक्षी का पेपर पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर भी सही था वो कहीं इस क्वेश्चन में माइंड मैप बनाना हो वो भी बनाई थी कीवर्ड को अंडरलाइन करना था

ठीक है सो वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सोशोलॉजी ऑप्शन पहले तो आप मार्क्स समझिए टू एटी टू थ्री ट्वेंटी इट्स अ गुड मार्क्स सेकेंडली इट्स लॉजिकल बिकॉज इट्स लॉजिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप इसको पढ़ रहे हो यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम अगर शॉर्टकट में तुम उसको शुरुआत में ही निपटाना चाहोगे ना यू विल सफर अलॉट इट इज इंपॉसिबल बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट थीरीज एंड न्यूस ऑफ द सब्जेक्ट so in the initial go you'll have to give time especially paper 1 ke liye you have to give around 4 to 5 months of time agar paper 1 kyunki paper 1 syllabus ka naam kya hai fundamentals of sociology if you are well versed with paper 1 paper 2 uske baad bahut aasan ho jata hai 2 to 2.5 months paper टू तो तुम अपना सात साढ़े सात महीने में क्या कर लिए बहुत अच्छे से एक बार सिलेबस को निपटा लियो

क्योंकि तुमको समझाना भी हो उस एस्पेक्ट को और कंटेंट भी डिलीवर करनी है बट आफ्टर दैट इट बिकम्स इजी एंड ट्रस्ट मी सोशियोलॉजी में बेस्ट पार्ट क्या है इट इज सच अ सब्जेक्ट जो ऑप्शनल फॉर एग्जाम्पल वेन यू राइट मीन एग्जामिनेशन इट स्टार्ट विथ एस ए पेपर देन यू राइट जीएस वन जीएस टू जीएस थ्री जीएस फोर फिर ऑप्शन से पहले यू गेट अ गैप ऑफ सिक्स डेज तो वो जो गैप है ना उस गैप में यू वुड बी एबल टू रिवाइज सोशियोलॉजी वंस फ यू हैव कंसॉलिडेटेड योट्स प्रॉपरली सो दर आस्पेक्ट ठीक है नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शन ऑब्वियसली सिलेबस डिस्कशन आज तो हो ही नहीं पाएगा हम लोग सिलेबस डिस्कशन से कल शुरू करेंगे आज ओरिएंटेशन मतलब आई वॉज वेरी ऑप्टोमिस्टिक कि हम लोग ओरिएटेशन प्लस सिलेबस दोनों कर ले बट इट वोट बी पॉसिबल सो आज ओरिएंटेशन है टूमोरो वी स्टार्ट सिलेबस एंड दो दिन मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा देन आई स्टार्ट विथ बेसिक्स टू हाउ टू प्रिपेयर यहां पर वेन आई से हाउ टू प्रिपेयर इसमें सब कुछ आ जाता है कंटेंट डेवलपमेंट कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कंटेंट कंसोलिडेशन आंसर राइटिंग एप्लीकेशन टेस्ट सब कुछ कंप्लीट प्रिपेरेशन

एक यूनिट कंप्लीट होगा आपको जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसका नोट्स मिलेगा है ना जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ भी आपको शेयर किया जाएगा तो कंटेंट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है नाउ कमिंग टू योर पॉइंट मोहित मोहित जेटी एंड देर वेर सेवरल अदर स्टूडेंट्स वेर आस्किंग अबाउट डू बी गेट नोट्स येस यू विल गेट नोट्स फॉर पेपर वन एंड पेपर टू एंड येस यू हैव टू रिलाई ऑन दोज नोट्स

वो क्लियर हो गया तुमको बट इज दैट गोइंग टू बी सफिशियंट इन टर्म्स ऑफ यू बींग एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट द आंसर इज नो वाई डू बी प्रिंट आउट ऑफ दैट नोट ऑब्वियसली दैट इज योर हवी दैट इज इंडिविजुअल चॉइस सम ऑफ यू गाइस यू कैन

so that is one aspect. second aspect is that you have to make running notes of whatever I teach. why? because मैं क्लास में तुमको समझाते वक्त कितने एग्जाम्पल्स दूंगा है ना करेंट डायमेंशन से ये तुमको एक्स्ट्रा कहां मिलेगा यहीं से मिलेगा जिसे sociology के सबसे फेमस टीचर कौन है महापात्रा सर हाँ सर का क्या होता है क्लास में वो आते हैं सोशोलॉजी बताते हैं जाते हैं आपका रनिंग नोट्स होता है तो मैं आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लास में पढ़ाऊंगा मैं जनरली क्या बोलता हूं बच्चों को अपना रनिंग नोट्स जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो साथ में वो रनिंग नोट्स बनाना चाहिए क्यों क्योंकि वो जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा किसी बच्ची ने पूछा सर विल यू गिव डिक्टेशन ऑब्वियसली नो वाई शेड आई गिव यू डिक्टेशन वेन यू आर गोइंग टू गेट मटेरियल ऑफ दैट एट द एंड ऑफ द यूनिट जैसे कि मैंने यूनिट वन पढ़ा दिया तो यूनिट वन पढ़ायानी वे दै आई कैन गेट इब ये सब पायरेसी वाला चीज हमसे मत पूछो <laughs> यार तुम सोशोलॉजी के टीचर है स्वर्ण दिस <laughs> स्वर्णवादास स्वर्णवादास भाई तुम पायरेसी का चीज पूछ रहे हो वैसे आप पूछ ही लिया तो बता देते हैं टेलीग्राम पे जाके सर्च करो मिल तो सब जाएगा तुमको हाउएवर दिस इज नॉट माई ऑफिशियल स्टेटमेंट बिकॉज दैट वुड बी पायरेसी ठीक है ई e न्यूज पेपर बट टेलीग्राम जाइए आपको मिल जाएगा चॉइस इज योर्स आप सब्सक्रिप्शन लीजिए या जो भी करिए मैं कुछ इंडोर्स नहीं कर रहा हूं यहां पे और तुम सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछो ऐसा एथिकल क्वेश्चन मत पूछो कि सर हमको चोरी करना सिखाइए हमको पायरेसी करना सिखाइए बट फिर भी मैंने बता दिया बिकॉज बहुत सारे बच्चों को you know, it's important अगर उनको फ्री शोर्स मिल जाए, आप लीजिएगा वो, कर वो आपको बता देंगे यार अब क्या होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में ये एक डिफरेंस है ऑफलाइन में आप बहुत चीजें खुल के बोल सकते हो कैमरा के सामने बहुत चीजें खुल के नहीं बोल सकते हो अभी किसी किसी बच्चे को मन करता है हेल्प करने का तो या देखो तुमको सिद्धू सिद्धू इज हेल्पिंग यू ठीक है सो यू हैव लॉट ऑफ़ गुड फ्रेंड्स योर कॉम्पिटिटर्स हु कैन हेल्प यू नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड डू नॉट इंटरप्ट टू वील लर्न व्हाट आई वॉन्ट यू गाइज इज दैट यू गाइज शेल मेक रनिंग नोट्स टेशन इन सोशोलॉजी ऑप्शन क्योंकि फिर सोशोलॉजी ऑप्शन साल भर का हो जाएगा इज इट पॉसिबल बिकॉज सिलेबस इज लेंथी यू हैव टू टीच एवरी थिंग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सी इनिशियल डेज में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत सारे नए टेक्निकलिटीज आपको समझ में आएगी लैंग्वेज क्योंकि वेस्टर्न सब्जेक्ट है सोशोलॉजी इमर्ज इन यूरोप तो वेस्टर्न सब्जेक्ट है तो जो टेक्निकल जागन आएंगे आप उनसे डरोगे तो मेरा काम होगा का, उनको सिंप्लीफाई करना आपको एग्जाम्पल देगी ना को समझाना विजुलाइज़ करवाना सो इफ आई डू दैट वेयर विल आई गेट टाइम फ्रॉम बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट सिलेबस विद इन एज वेल नो दैट इज दिन गिवेन बाय पीडब्ल्यू टू मी एंड दैट इज योर एक्सपेक्टेशन एज वेल वरना साल भर अगर प्रिपरेशन चलता ही रहेगा तो तुम कैसे कर पाओगे गेटिंग माई पॉइंट मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूं तो सो डोंट वरी अबाउट दैट क्लास में जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो है माइंड मैप माइंड मैप इज वेरी यूजफुल इन द सेंस इसकी तुम वो माइंड मैप्स के थ्रू ना uh, समझ पाते हो कि इसके अंदर क्या क्या की वर्ड है और तुमको रिकॉल करने के लिए वो अच्छा बन जाता है सो वॉट एवर आई राइट इन बोर्ड इसको तो पीडीएफ करके आपको मिलेगा ही है ना उसके अलावा आपको वो यूनिट वाइज चैप्टर के एंड में कंटेंट भी मिलेगा सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल

मैं उसकी आपको डिक्टेशन दूंगा लेकिन बहुत कम होने वाला है ये बिकॉज हाउ विल आई फाइंड टाइम प्लीज अंडरस्टैंड दर इज टाइम कॉन्स्टेंट कोर्स हैज बी फिनिश्ड इन अ टाइम डे मैनर राइट उसके अलावा यू विल गेट टेन टेस्ट इन टोटल ठीक है वो टेस्ट जैसे जैसे कोर्स हमारा प्रोसीड करेगा उसके हिसाब से वो डिजाइन होकर आपसे पूछे जाएंगे बट नाउ अंडरस्टैंड ओवर हियर

क्लास जरूर अटेंड करिएगा इसके नोट्स वगैरह जरूर बनाइएगा उन नो को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा वो तो यूपीएससी लेवल पे आएगा क्या आपकी लिखने की क्षमता यूपीएससी के लेवल का तुरंत हो जाएगा नो दैट इज वाई कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको जनरल लेवल पे लिखना हो राइट right? What is DMP, sir? What is DMP? I also don't know. What is DMP? Tanish Jaiswal asks. What about DMP? What is DMP? No, there is no daily daily. Yet this is not daily answer writing program. This is a foundation course. This is not answer writing program.

लेकिन पता है यूपीएससी के लेवल का क्वालिटी आंसर कब लिख पाओगे जब तुम पेपर टू में भी मॉडर्नाइजेशन का डिबेट देख रहे हो आ, पेपर टू यहां पे है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इसमें मॉडर्नाइजेशन का डिबेट एक बार दोबारा खुलेगा जहां पे एक डिबेट होगा कि इंडिया की मॉडर्निटी वेस्ट की मॉडर्निटी से डिफरेंट कैसे है और मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को क्या हम लोग सिर्फ वैसे स्ट्रक्चर का इमरजेंस माने माने जो कि मॉडर्निटी के एरा में यूरोप में हुआ था या मॉडर्नाइजेशन डिपार्चर फ्रॉम एनी ट्रेडिशनल वैल्यू है बट मैं रहा हूं कि उसके बाद जब तुम मॉडर्निटी का आंसर लिखोगे वो ज्यादा बेटर ज्यादा न्यू आंसर होता है ऑप्शनल में क्या होता है ना एक एक टॉपिक इंटीग्रेटेड होता है जब मैं आपको कल सिलेबस पढ़ाऊंगा तो चीज आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सोशोलॉजी द डिसिप्लिन इसमें आपको डिसिप्लिन से इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि क्या पढ़ेगा डिसिप्लिन कैसे इमर्ज हुआ कैसे कॉमन सेंस है डिफरेंट है फिर सोशोलॉजी एक तो साइंटिफिक डिसिप्लिन अपने आपको बोलता है ना साइंस ऑफ सोसाइटी तो वॉट आर द टूल्स मेक्स इट साइंस फिर उसके बाद आप देखोगे सोशोलॉजी रिसर्च कैसे करता है सो इज अ क्वेश्चन देर इज अ टॉपिक ऑन दैट देन सोशल थिंकर्स तो यहां पे आप अलग अलग थिंकर्स की थीरी पढ़ते हो स्ट्रेटिफिकेशन इसमें भी कॉन्सेप्ट सीखते हो थ्योरी पढ़ते हो उसके हाथ से जब वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ और उसके आगे का सिलेबस तुम देखोगे ना पॉलिटिक्स रिलीजन तो यहाँ पे थ्योरी भी है और जो पहली थ्योरी पढ़े उसका एप्लीकेशन भी है तुम समझ रहे हो तो ऑब्वियसली जब तुम ये चैप्टर पढ़ लोगे तो किसी पहले चीज का आंसर ज्यादा बेहतर तरीके से लिख पाओगे क्योंकि जब तुम अप्लाइड पार्ट सीख जाओगे तो उसका एग्जाम्पल देखे सब्सटैंसिएशन कर पाओगे शुरुआत में कर पाओगे नॉट पॉसिबल Right? So that is basic logic. Now. So whatever the course feature is that is being announced, jo up care DMP, that is JS ka feature. Clear? Now, so 10 tests are there. Apart from that, what I expect you guys, now what you need to do. at your level सारे बच्चे शुरुआत में जोश दिखाते हैं I'll be very honest, but I have already taught three batches at PW, and there's a difference. बहुत honest. I'll मैं अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा हूँ. I came with a vision सिविल सर्विसेस के बच्चों को पढ़ाने के लिए एट पी डब्ल्यू बट मेरे दिल का हाल मैं आपसे एक शेयर करता हूं स्टूडेंट्स एट पी डब्ल्यू दे डिड नॉट फुलफिल माई एक्सपेक्टेशन वेर एर स्टूडेंट इन ऑफलाइन क्लास पेड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फॉर माई क्लासेज दे हैड फुलफिल माई एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सौ का बैच पढ़ाता था ना ऑफलाइन में तो उसमें से कम से कम एंड तक ना पचास से अस्सी बच्चे ऐसे होते थे जो सिंसियर रहते थे और कम से कम उनसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो लगे रहते थे और कम से कम 25 बच्चे ऐसे होते थे उसमें जिससे मेरे को होप रहता था कि ये 25 निकाल सकते हैं पीडब्ल्यू में मेरा एक्सपीरियंस क्या है तीन बैच में ऑलरेडी अभी तक पढ़ा चुका हूं वो वो वो

बात दुनिया भर की कर लेंगे YouTube पे वीडियो देखेंगे मोटिवेशनल बात करेगा सोशल मीडिया यूज करेगा लेकिन तुमको एज अ स्टूडेंट एक सिस्टम बना के एक प्रोसेस बना के जो डिसिप्लिन तरीके से प्रेपरेशन करना है तुम वो नहीं करोगे नाउ अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ्स बचपन में जब तुम पढ़ते थे तो दैट यू स्टडी मैथ्स फॉर फाइव डेज एंड देन टू नॉट Don't, read, don't prepare it for a month and then try solving those questions which you had solved one month back. Will you be able to solve it? The answer is no. UPSC syllabus is extremely vast. You have to prepare essay, you have to prepare GS, you have to learn so many facts for uh, prelims as well. and then you have got optional as well. उ इनिशियली यू गाइज वुड बी एक्साइटेड यू वुड से सर बुक लिस्ट बताओ ये बुक पढ़ देंगे वो दिख पढ़ देंगे मैं तुमको बुक लिस्ट भी दूंगा और मैं तुमको परम सत्य बता रहा हूं नहीं हो पाएगा बुक लिस्ट तुम लोगे बुक खरीदोगे और रखा रहेगा बहुत लिमिटेड तुम उसको पढ़ पाओगे पढ़ लिये तो बहुत अच्छा आई माई सेल्फ वॉज अ बुक रीडर बट पहले अपने बुक रीडर नहीं धीरे 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 आई वॉज एबल टू बिल्ड इट

फिर चार दिन बाद मैं तुमको बोलूंगा फंक्शनलिस्ट ऐसे बोल रहे थे तुम भूल जाओगे अब पूछे सर फंक्शलिस्ट क्या होता है मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में फिर तुम भूल जाओगे फिर पेपर टू में मैं आऊंगा एम एन श्री स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म पढ़ाऊंगा चार महीना पहला हुआ टॉपिक पेपर वन में पढ़ा हुआ फिर से तुम पूछो सर स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म क्या होता है एक बार बता दीजिए भूल गए ये बेवकूफी पता है क्यों करोगे क्योंकि तुमने की है काम चोरी क्योंकि तुमने तुमको जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो तुम करोगे नहीं लेकिन मैं जो मार्क माई वर्ड एंड आई कोट एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट आई कोट राइट नाउ जो मैं अभी बोल रहा हूं अगर तुमने उसको कर लिया बिकॉज ऑनलाइन वाले में मैंने देखा बच्चे बहुत ग्रांटेड लेते हैं सब्जेक्ट को और कुछ दिन के बाद मैं समझ जाता हूं कि क्या ही हाल है उनका ठीक है तो ये मेरे मन का भी पीड़ा है मैंने उनको एक ही चीज बोला है कि बेटा अगर आप रिविजन नहीं करोगे एग्जाम नहीं निकलेगा Look at the vastness of the syllabus, irrespective of subject choices. Revision is tool because ultimately you have to reproduce the content. It has got limited capacity to retain and consolidate information. Ultimately, in the mains examination, you would be reproducing the content.

ये ट्रेडिशनल बॉलीवुड मूवी की तरह क्लीशेड ही साउंड करता है ये करण जू है जोहर की मूवी की तरह वो डेफिनेट पैटर्न बोरिंग पैटर्न वही है लेकिन यही यूपीएससी निकालने का परम सत्य है एंड व्हेन आई से एटलीस्ट फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शन आई डिमांड यू नीड टू डू टेलीविविजन अगर कोई कुछ छूट गया है कुछ बैकलॉग हो गया है आप उसको वीकेंड पे कवर कर लीजिए जब छुट्टी रहेगा बट जो भी मैंने आपको पढ़ाया है मंडे को कुछ पढ़ाया आप ट्यूसडे क्लास से पहले एक बार उसको रिवाइज करके बैठे रहिए फिर ट्यूसडे को पढ़ाया तो ट्यूसडे वाला या तो ट्यूसडे रात को या वेडनेसडे क्लास से पहले रिवाइज करके बैठे रहिए उसी चीज को जो भी क्लास में पढ़ाया है उसको इमीडिएटली आप रिवाइज करोगे ना देखोगे नोटबुक अपना तो आपका वो हो जाएगा आधा घंटा से एक घंटा में डेली रिवीजन शुरुआत में बाद में बाद तो पंद्रह मिनट जब सब्जेक्ट सीखने लगोगे और वीकेंड पे क्या पढ़ोगे वीकेंड पे तुम क्या करोगे वीकली रिविजन करोगे वीकली रिविजन इन द सेंस जो भी मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो भी इस वीक में पढ़े हैं उसको दोबारा रिवाइज करोगे और एक महीने के अंत में से ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फिफ्थ से पूरा एक थर्टी तक क्या करोगे तुमको पूरा मंथ जो भी पढ़े हो उसको दोबारा रिवाइज करना है मंथली रिविजन ये तुमको मेरे कोर्स के साथ करते चलना है अलोंग विथ कोर्स सली तो इससे क्या होगा जब ऑप्शनल कंप्लीट होगा उसके बाद जब तुम रिवाइज करोगे तो कंटेंट कंसोलिटेशन रिविजन दोनों आसान हो सकता है सो से इन फर्स्ट मंथ में अभी तो कुछ दिन तुमको सिलेबस पढ़ाऊंगा बेसिक्स पढ़ाऊंगा एंड देन यूनिट वन हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट एग्जाम्पल क्योंकि शुरुआत में सोशोलॉजी का बेस ही बनाने में बहुत टाइम लगता है ट्वेंटी फिफ्थ को जो जितना आप पढ़े थे बेसिक्स जो मैं आपको पढ़ाया था वो उससे लेके यूनिट वन जहां तक भी यूनिट खत्म किया रहूंगा वो पूरा एक बार आप रिवाइज करेंगे और आप डेली वीकली करते हुए आ रहे हो सो इफ यू हैव हैव रिवाइज रिवाइज डेली इफ यू वीकली एट द मंथ एंड व्हेन यू रिवाइज इट वंस अगेन द एवरीथिंग दैट यू लर्न इन दैट मंथ इट गोज इंट यूर लॉन्ग टर्म मेमोरी उसके बाद इस महीने में जो पढ़ा है वो आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर नेक्स्ट मंथ में एज यू एंटर वही डेली वीकली एंड उस मंथली में वॉट एवर यू लर्न इन दैट मंथ फिर ये कब रिवाइज होगा जब भी आपके टेस्ट होंगे राइट सो थ्रू दो वंस अगेन सो इट विल गेट कवर्ड क्लियर नाउ एज ऑफ नाउ इफ यू वुड हैव नहीं पीडीएफ ऑफ सिलेबस अभी मनु आज नहीं सेंड होगा जब कल में सिलेबस पढ़ाऊंगा उसके बाद सेंड होगा आज जहां तक मैंने लिया है वहीं तक का सेंड होगा बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड टुमारो नो सिलेबस पहले पढ़ाऊंगा ठीक है क्लास का ड्यूरेशन इज माई डिस्ट देर आर अच्छा फ्यू थिंग्स बीट क्लासरूम आई ट्राई माई बेस्ट टू बी डेमोक्रेटिक बट देर आर फ्यू थिंग्स विच आई एम सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन एट द आउटसेट आमी, डॉक्टर क्लासरूम दीज आर प्लेसेस जहां डेमोक्रेसी नहीं चलती है वी आर द अथॉरिटीज एंड वी कमांड द क्लासरूम। सो आई वुड कीप द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू द पेस एट विच यू गाइज आर एबल टू लर्न एग्जाम्पल मेरा पिछला बैच जो था उसमें बहुत बच्चे बहुत जल्दी जल्दी ग्रास्ट कर रहे थे I, I was blessed with some good students. बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे थे। so because of that, मैं मोस्टली इनको दो ही घंटे के क्लासेस पढ़ाया हाँ एक समय आया था बिकॉज आई है टीचर थक जाता है तो 15 डेज के लिए लीव पे जाना था तो मैं लीव लेने से पहले क्या क्या था एडवांस में ना उनको दो वीक तक दो दो क्लास लेके पढ़ाया था चार घंटे का तीन घंटे का बट अगर मैं देखूंगा कि बैच थोड़ा वीक है मतलब इसको बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है है ना यहां पे कोर्स स्लो हो रहा है क्योंकि बच्चों को समझने में ज्यादा समय लग रहा है यह कभी कभी होता है ना कि कंटेंट बढ़ गया क्यों करंट में कुछ डेवलपमेंट हो गया उस टॉपिक में कंटेंट बढ़ गया इट कैन हैपन इजेंट इट फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हुए इस बार तो इस बार का इलेक्शन में जो भी डेवलपमेंट हुआ I'll integrate that in politics and society. Whatever developments इस साल general elections mein dekhe ab politics and society in India mein usko integrate karenge na For example you study you learn about a theory of political party system राजनीति कोठारी साहब की एक study है तो first party system फिर उसका state regional party system फिर

जो कि तुम्हारा परम फोकस होना चाहिए प्राइम फोकस इनिशियली सो इन रिटर्न यू विल हैव टू गिव मी दैट टाइम सो व्हेनेवर आई आस्क यू गाइस फॉर एक्स्ट्रा क्लास व्हेनेवर आई रिक्वेस्ट यू गाइस एज ऑफ नाउ डेली टाइमिंग यही टाइमिंग है इट्स 1:30 टू 3:30 एज ऑफ नाउ बट इफ द टाइम चेंजेस इट विल बी इनफॉर्म टू यू गाइस इफ देयर इज इफ आई extend the class with half an hour, it will be informed to you guys and I have got that discretion because if I have to deliver content, it is basic logic that it will take time. Not Amit, not every question. Paper 2 mein part C mein kuch question और current को link करना पड़ता है, ऐसा नहीं करना है affairs का sociology का magazine पढ़ना होता है, वो सब नहीं करना होता है एग्जाम्पल से वो धीरे धीरे अभी तुम नहीं समझ पाओगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना आई गारंटी यू जो करेंट करेंट का दिमाग में हुआ है ना आई प्रोमिस यू एंड आई गारंटी यू कि दिस विल बी क्लियर टू यू गाइज इज डन यस आई नो इट्स ऑलरेडी थ्री थर्टी बट आई एम नॉट अ रोबोट कि तीन तीसवा तो तुम बटन दबाए तुम्हें क्लास ओवर हो जाएगा ओरिएंटेशन दे रहा हूं आएम कम्युनिकेटिंग विध यू गाइज सो वट एवर आईव टू कम्युनिकेट आई विल फिनिश दैट एंड ट ड रिप्रोड्यूसिंग ऑफ द कंटेंट वीन मतलब तुम जब आंसर लिखते हो तो टनिस्ड प्लीज अंडरस्टैंड दिस जब तुम आंसर लिखते हो तो क्या होता है जब तुम आंसर लिखते हो तो जो भी तुम क्वेश्चन पढ़े हो उसी को रिप्रोड्यूस कर रहे हो ना मतलब फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी वट इज सोशियोलॉजी कोई तुमसे पूछा तो मैंने आज तुमको तीन चार एग्जाम्पल दिए तो उसके बाद तुम दोबारा जो सुन के लिखोगे आंसर में तो लिखोगे ना सोशलॉजी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस सोशल ग्रुप्स सोशल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन पैटर्न ऑफ इंटरक्शन एंड सोसाइटी एज अ होल तो ये जो तुम आंसर के स्ट्रक्चर में लिख रहे हो इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन जो कंटेंट पढ़े हो उसको दोबारा तुम प्रोड्यूस करते हो उसको दोबारा लिखते हो समझ में आया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तनिष्क टेल मी समथिंग अबाउट इंडियाज जर्नी इन दी 2026, 2024 वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्रायम्स तो अब तुमने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को देखा अब तुम्हारा दिमाग उसको देखा होगा तुमने उसको तुम्हारे दिमाग में उसको दो भाग में डिवाइड किया होगा पहला भाग था ग्रुप स्टेज दूसरा भाग था नॉकआउट या फिर उसका तुम्हारा दिमाग उसको डिवाइड करेगा दो तो फेज में एक न्यूयॉर्क फेज दूसरा वेस्टइंडीज फेज उसके बाद इंडिया पाकिस्तान है ना पिच फिर बॉलर बैटिंग जो भी तुम्हारा दिमाग उस वर्ल्ड कप के मैचेस को या उस पूरे टूर्नामेंट को कॉम्प्रिहेंड किया होगा उसको हम तुमको बोलेंगे कि हमको डेढ़ सौ शब्द में बताओ तो तुम अपने हिसाब से उन सब को आइडेंटिफाई करो अच्छा हमको क्या बताना है ग्रुप स्टेज न्यूयॉर्क नॉकआउट्स और वेस्ट इंडीज ठीक है उसके बाद हम बताएंगे बॉलिंग पिचेस लो टारगेट्स बैटिंग पिचेस रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की बैटिंग नॉकआउट गुड परफॉर्मेंस फाइनल बैटिंग बोलिंग बोथ कुछ भी ऐसे करके और तुम उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे कि वो डेढ़ सौ शब्द में तुम मेरे को समझा समझा दो कि वर्ल्ड कप इंडिया कैसे जीता दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन हाउ टू मेक नोट्स इट विल बी जब मैं सिलेबस पढ़ा दूंगा उसके बाद टेल यू हाउ टू मेक नोट्स एंजल बीन ओवर स्मार्ट विथ योर पेन पेपर मैं बताऊंगा डोंट वरी वो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है जो भी ए फोर शीट होती है ना उसमें राइट right साइड में मार्जिन छोड़ना होता है नोट नोट मेकिंग अभी नहीं Once I teach you syllabus, after that I'll tell you how to make notes. So that question will be answered there. I hope questions are answered as of now. Things are clear to you guys. We'll meet tomorrow. Class timing is same 1 o'clock. Oh, clear? Guys, everyone. Hanil Kumar, clear wa Babu? कनिष्ट अंडरस्टूड इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ आंसर तुम इतना कुछ किसी टॉपिक के ऊपर में पढ़ोगे लेकिन तुमको लिखना है उसको 150 या 250 शब्द में तो लिमिट करके स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना जरूरी होता है बट प्लीज डोंट लिमिट बियॉन्ड ऑफलाइन स्टूडेंट्स वी हैव टू यार देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा तो मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा मतलब आइडियली 3 घंटे की क्लासेस होती है तो वो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दो घंटे तक ही क्लास लू वो नहीं हो पाएगा मैं तुमको कह रहा हूं ना जो भी है जो बचा हुआ पोर्शन होगा तुम उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो क्लियर दूसरी बात क्या है कि जब तुम रिकॉर्डेड देख लोगे तो तुमको चीजें समझना थोड़ा ऐसे ही आसान हो जाएगा और, आ, और बाद में नेक्स्ट डे अगर कोई डाउट भी होगा तो नेक्स्ट डे तुम पूछ सकते हो सो आई एम हियर डोंट वरी अबाउट दैट बुक लिस्ट आगे बता भाई सिलेबस नहीं बताया है तनीषा कल बताऊंगा आगे किस चीज का तुमको टेंशन हो रहा है डोंट वरी ठीक है यस क्लास नोट्स मैंने बोला ना क्लास नोट्स आर गोइंग टू बी सफिशिएंट सी तुम क्लास नोट्स भी ना पूरा अच्छे से कॉम नहीं कवर कर पाओगे अगर तुम क्लास नोट्स ही कवर कर लो ट्रस्ट मी तो यू वुड बी एबल टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स सो बिकॉज सी एल गिव यू बुक लिस्ट एंड ऑल बट आफ्टर अ पॉइंट यू विल रियलाइज दैट क्लास नोट्स आर कॉम्प्रिहेंसिव इट विल बी कंटेनिंग लॉट ऑफ सोर्सेज सो यू कैन रिलाई ऑन इट ठीक है चलिए तो आज ओरिएंटेशन क्लास था टुमारो नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद सिलेबस डिस्कशन चलो कोई नहीं आपस में फाइट मत करो ठीक है चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे कैन वी रिलाई कंप्लीटली ऑन मंथली मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स सी पुष्पक ये डिपेंड uh, uh, करता है इफ यू आस्क मी एज अ फैकल्टी आई वुड से यस इफ यू आस्क मी एज अ स्टूडेंट देन मैं एज अ स्टूडेंट मुझे ना क्या है कि कोई करंट अफेयर कोई फैक्ट याद करना है तो मुझे ना कॉन्टेक्स्ट जब तक उसका नहीं पता हो तो याद नहीं होता था तो मैं एज अ स्टूडेंट न्यूज पेपर भी साथ में पढ़ता था ये मेरा प्रॉब्लम है बहुत बच्चे होते हैं रैंडमली बिना कॉन्टेक्स्ट का फैक्ट रट लेते हैं तो उसके लिए तो मैगजीन चलेगा बट मेरे साथ क्या था कि फॉर एग्जाम्पल मैं जब स्टूडेंट था एग्जाम्पल देता हूं दो हजार चौदह दो हजार चौदह में दो हजार पंद्रह में क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स समिट कहां हुआ था फ्रांस में हुआ था ये फ्रांस ब्राजील में हुआ था समिट था बट जब वो ब्रिक्स का समिट हुआ था ना जब मोदी जी वहां गए थे मैंने उसको वरना याद नहीं रहती मैं इस प्रकार का स्टूडेंट हूं द काइंड ऑफ स्टूडेंट आई वॉज आई रिक्वायर्ड टू नो बैकग्राउंड एंड सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट इन ऑर्डर टू रिमेंबर अ फैक्ट सो आई सप्लीमेंट I my primary source used to be newspaper, and I used to supplement newspaper with magazine. But there's a big but, please understand. Now you have to see how much time is left with you. Most important aspect is time management. Agar you have time come. Then rely on. If you do not have that much of time that you can invest your time in newspaper, then rely on uh, magazines secondly if you are that kind of student who is able to buy hard things without knowing its social or economic or political context without its background and context you are able to cram a fact then also you can rely on that so these kind of suggestion it depends on uh, individual to individual clear that's all for today guys then ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू आना बिल्कुल सही बोल रहा है ठीक है ऐसे में तो क्लास खत्म ही नहीं होगा अह दैट्स ऑल फॉर टुडे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टुमारो ठीक है दैट्स योर कॉल तारिणी सर दो क्लासेस एक टाइम ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे रेस्ट ऑफ द क्लासेस टुमारो ठीक है टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल लेट्स मी टुमारो टेक केयर बाय बाय